वेलकम टू माय चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। डीआरडीओ एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कराने के लिए फीटर टर्नर मशीनिस्ट वेल्डर ग्राइंडर ट्रेड स्टूडेंट के लिए जो 2000 टेक्निकल एमसीक्यू का सीरीज मैंने चालू किया था, आज इसका क्लास नंबर 16 प्रोवाइड करने वाला हूँ। आज का क्लास में टोटल 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सलूशन आपको मिलेगा और आज का क्लास में आपको 751 नंबर क्वेश्चन से 800 तक क्वेश्चन का आपको सलूशन देखने को मिलेगा। आज का पेपर का क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है और मज़ेदार क्वेश्चन है। इजी से भी अच्छा है कि मज़ेदार क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ के भी आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि एग्जाम में हार्ड क्वेश्चन का साथ साथ इजी क्वेश्चन मैक्सिमम आपको पूछे जाते हैं। तो इस सीरीज में टोटल 2000 एमसीक्यू रहेगा और ये पीडीएफ को मैं ऐसे बना रहा हूँ कि कोई भी एग्जाम में जाइए उससे पहले आपको ये पीडीएफ पढ़ के जाना पड़ेगा। तो हार्ड और इजी क्वेश्चन का कम्बिनेशन में इसको बना रहा हूँ। तो आज का क्लास का क्वेश्चन थोड़ा सा इजी रहेगा और मज़ेदार क्वेश्चन भी रहेगा, पढ़ने में भी आपको अच्छा लगेगा और जब आप लोग देखेंगे, जब मैं इसका सलूशन दूंगा, तब आपको सुनने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग जानते हैं एग्जामिनेशन अगर 100 में होता है, नॉर्मल मैं आपको बात करता हूँ कि 100 अगर टेक्निकल क्वेश्चन आता है तो उसमें से 80 से 85 क्वेश्चन ईजी आता है, 10 से 15 क्वेश्चन हार्ड होता है जिसके ऊपर कट ऑफ बनता है, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन तो ज़्यादा रहता है, उसको भी सॉल्व कराना चाहिए कॉन्सेप्ट क्लियर करके, ओके। और जो भी स्टूडेंट पीडीएफ के लिए आप लोग पहले बोले थे, तो मैं आपको 14th नंबर क्लास में बोला था कि पीडीएफ आप लोग के लिए प्रोवाइड कर दूंगा, तो पीडीएफ अभी नहीं प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि 1000 क्वेश्चन का बाद अगर पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं तो टेक मैकेनिकल का जो टारगेट था कि 2000 टेक्निकल एमसीक्यू का पीडीएफ टोटल बनाएगा तो पार्टीशन हो जाएगा। तो इसीलिए पूरा सीरीज कंप्लीट होगा उसका बाद ही 2000 टेक्निकल एमसीक्यू का सीरीज मैं प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट आज तक 15 क्लास का वीडियो देखा है, आप लोग को अच्छा लगे हैं और अगर आप लोग प्रिपरेशन को और भी बढ़ाना चाहते हैं, इधर तो 2000 टेक्निकल एमसीक्यू भी चल रहा है और चलेगा भी, एग्जाम से पहले आपको कंप्लीट भी मैं करूंगा जैसे भी करके, तब अगर डिस्कशन ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा तो नहीं करेंगे, फिर भी इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे, पीडीएफ भी आप लोग के लिए प्रोवाइड में करेंगे। और इसका बीच में मैं आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च किया हूं, जिसमें आपको टोटल 3120 क्वेश्चन मिलेगा और जिसमें टोटल 26 नंबर ऑफ मॉक टेस्ट आप लोग के लिए मैं अवेलेबल किया हूं मेरा वेबसाइट पर। तो जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन को और भी अच्छा करना चाहते, क्योंकि आप लोग पढ़ने का साथ साथ आप लोग को प्रैक्टिस करने का भी ज़रूरत होता है और डीआरडीओ का प्रिपरेशन को अच्छा कराने के लिए 2000 एमसीक्यू का साथ साथ भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है वो सब क्वेश्चंस का मैं कलेक्शन करके इस टोटल 26 सेट में मैं डाला हूँ। जितना भी स्टूडेंट अभी तक टेस्ट को एनरोल किए हैं वो सभी स्टूडेंट पॉजिटिव फीडबैक दिए, एक भी स्टूडेंट इसका नेगेटिव फीडबैक नहीं दिया। जितने भी लिया है वो बोला नहीं सर हम सेटिस्फाइड है, बहुत अच्छा लगा है, टेस्ट का क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एक स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है। जैसे पासिंग मार्क्स रखो, मैक्सिमम स्टूडेंट पासिंग मार्क्स से कम आ रहा है कि क्या, किसी किसी स्टूडेंट पासिंग मार्क्स से भी बहुत ज़्यादा ला रहे हैं, तो क्वेश्चन पेपर को वैसे ही मैं आप लोग के लिए बनाया हूँ। तो टेस्ट पेपर आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप लोग टेस्ट को एनरोल करना चाहते हैं उसका डायरेक्ट लिंक मैं आज का वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो टेस्ट आप लोग जरूर एनरोल कीजिए, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा और इसका जो कम्बिनेशन में प्रिपरेशन बनेगा बहुत अच्छा बनेगा। तो 2000 एमसीक्यू के साथ ऐसे तो आप लोग का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा और उधर आपको इसका प्रैक्टिस करने को भी मिलेगा और टेस्ट का जो क्वेश्चन है ना इससे भी बहुत अच्छा अच्छा है, क्योंकि 2000 एमसीक्यू सीरीज में जो क्वेश्चन हम कवर नहीं करेंगे वो सब क्वेश्चन को मैं कलेक्शन करके टेस्ट पर डाला हूँ। तो जितना भी स्टूडेंट लिया है ऑलमोस्ट बहुत सारा ले लिया है, आप लोग भी बहुत सारा स्टूडेंट जब एग्जामिनेशन डेट आएगा तब आप लोग लेने वाले होंगे, क्योंकि तब सोचेंगे कि नहीं अभी तो कुछ कॉन्सेप्ट तो क्लियर नहीं होगा तो अभी हमको टेस्ट लेना है, तो आप लोग हर बारी में टेस्ट को भी ले लेंगे सजेशन का तौर पर। बट टेस्ट आप लोगों को अभी से लेना चाहिए तो आप लोग टेस्ट को बार बार दे पाएंगे, 10 बार करके एक एक टेस्ट को आप लोग दे पाएंगे। और टेस्ट देने के बाद कोई भी जगह में आपको इसका पीडीएफ नहीं मिलता, फिर भी मैं आप लोग के लिए पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा जो आप लोग को पढ़ने में सुविधा होगा और टेस्ट को आप लोग एक एक टेस्ट को 10 बार आप लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। और टेस्ट प्राइस का बात करें तो बहुत कम है, अगर बाकी जगह का कंटेंट का साथ तुलना करें तो वो भी कम है और प्राइस भी कम उसका तुलना से मैं रखा हूँ। और कंटेंट जितना भी स्टूडेंट अभी तक देगा सबने इसका आप लोग बोले हैं कि पॉजिटिव फीडबैक दिए है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आप लोग के लिए एक डिस्कशन करना था और आप लोगों के लिए भी बताना था कि बहुत सारा स्टूडेंट 2000 एमसीक्यू का क्लास देखते फिर भी आपको मॉक टेस्ट का बारे में पता नहीं था, तो बहुत सारा स्टूडेंट के इसका बारे में पता चल गया है, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन,
the recommended value of rake angle for machining aluminium with cemented carbide tool is. मैशिनिंग के लिए रेक कोण का अनुशासित मूल्य सीमेंटेड कार्बाइड उपकरण के साथ एल्यूमिनियम है. तो इसका अर्थ क्या है, तो इसमें आपको बोला है जब आप लोग सीमेंटेड कार्बाइड टूल से एल्यूमिनियम के मैशिनिंग करेंगे तो सीमेंटेड कार्बाइड टूल का रेक एंगल कितना होना चाहिए. तो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग रेक एंगल होता है, ठीक है, उसका हार्डनेस के ऊपर रेक एंगल डिपेंड करता है. तो इसमें जो आपको बोला है सीमेंटेड कार्बाइड टूल से जब आप लोग एल्यूमिनियम का मैशिनिंग करेंगे तो इसके लिए प्रॉपर रेक एंगल होता है ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 5 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 15 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 25 डिग्री. तो आप लोग इसका आंसर देने का कोशिश कीजिए. तो क्योंकि इससे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 क्वेश्चन का मैं डिस्कशन आप लोगों के साथ अभी करने वाला हूँ. ओके, तो जब बोलेगा सीमेंटेड कार्बाइड टूल से जब एल्यूमिनियम का मैशिनिंग करना पड़ेगा तब इसका रेक एंगल होता है 5 डिग्री. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ. इसमें बोला है सेम क्वेश्चन, द रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ रेक एंगल फॉर मैशिनिंग एल्यूमिनियम विथ डायमंड टूल इज. मतलब डायमंड से बने टूल जब हम लोग एल्यूमिनियम का मैशिनिंग करने के लिए यूज करते तो उसके लिए रिकमेंडेड रेक एंगल कितना होना चाहिए. तो जब डायमंड टूल से एल्यूमिनियम का मैशिनिंग करेंगे तो उसका रेक एंगल होना चाहिए ऑप्शन नंबर 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 5 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 15 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 25 डिग्री. इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री. जब डायमंड टूल से हम लोग एल्यूमिनियम का मैशिनिंग करेंगे तो रिकमेंडेड रेक एंगल 0 डिग्री होना कंपलसरी है. और इधर अगर आपको सेम टू सेम वो क्वेश्चन पूछे जाता कि एच एस एस टूल से जब एल्यूमिनियम का मैशिनिंग करते हैं तो रिकमेंडेड रेक एंगल कितना होना चाहिए, तो रिकमेंडेड रेक एंगल होना चाहिए 35 डिग्री. ठीक है, तो 3 क्वेश्चन बनता है एचएसएस के लिए 35 डिग्री, इसका बाद सीमेंटेड कार्बाइड के लिए 5 डिग्री ओनली और डायमंड टूल के लिए ओनली 0 डिग्री. ठीक है, तो 3 क्वेश्चन से 1 क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाएगा और ये एक अनकॉमन क्वेश्चन है, इसीलिए मैं सबसे पहले इसको ऐड किया हूँ और इसका कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर किया हूँ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 753, द रिकमेंडेड कटिंग स्पीड फॉर काउंटर सिंकिंग एंड काउंटर बोरिंग इज. काउंटर सिंकिंग और काउंटर बोरिंग के लिए अनुशासित कटने की गति डैश है. तो जब आप लोग काउंटर सिंकिंग करते हैं, काउंटर सिंकिंग का अलग अलग पर्पस होता है, क्यों हम लोग काउंटर सिंकिंग करते हैं इसका डिटेल में डिस्कशन में 2000 MCQ का सीरीज में डिस्कशन किया हूँ और काउंटर बोरिंग का भी बारे में मैं डिस्कशन किया हूँ. तो जिसको भी इसका कॉन्सेप्ट टोटल क्लियर करना है, काउंटर सिंकिंग कितने कितने डिग्री एंगल में अवेलेबल होता है सब कुछ डिस्कशन किया हूँ. तो अगर आप लोग इसका डिटेल थ्योरी जानना चाहते हैं तो 2000 MCQ का PBS क्लास वॉच कीजिए. ओके, तो जब काउंटर सिंकिंग और काउंटर बोरिंग ऑपरेशन हम लोग करेंगे तो कटिंग स्पीड कितना होना चाहिए, हाफ ऑफ द ड्रिलिंग कटिंग स्पीड, मतलब ड्रिलिंग कटिंग स्पीड जो होता है उसका आधा होना चाहिए. ऑप्शन नंबर बी इक्वल डबल द ड्रिलिंग कटिंग स्पीड, मतलब ड्रिलिंग कटिंग स्पीड का डबल होना चाहिए, दोगुना होना चाहिए. ऑप्शन नंबर सी 1/3 ऑफ द ड्रिलिंग कटिंग स्पीड, मतलब ड्रिलिंग कटिंग स्पीड का 1/3 होना चाहिए. ऑप्शन नंबर डी डबल द ड्रिलिंग कटिंग स्पीड, तो इधर डबल नहीं होगा, इधर इक्वल बोला था. ठीक है, तो चौथा ऑप्शन में बोला है कि ड्रिलिंग कटिंग स्पीड का 2 गुना होना चाहिए. तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा. जिस स्पीड में हम लोग ड्रिलिंग करते हैं तो उसका 1/3 स्पीड में काउंटर सिंकिंग और काउंटर बोरिंग ऑपरेशन होता है. ओके, तो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ. और एक चीज़ आपको जानना चाहिए, जैसे हम लोग नर्लिंग करते हैं, ठीक है, नर्लिंग में भी स्पीड होता है 1/3 ऑफ टर्निंग स्पीड. ठीक है, मतलब टर्निंग जिस स्पीड में हम लोग करते हैं तो उसका 1/3 स्पीड में हम लोग नर्लिंग करते हैं. ओके, तो इधर अगर ऐसे आपको मैथ पूछे जाएगा, मैथ बहुत ही आसान होगा. ड्रिलिंग कटिंग स्पीड अगर आपको पूछे जा बोला जाता है 60 मीटर पर मिनट, तो काउंटर सिंकिंग के लिए कितना स्पीड होगा, तो इसका 1/3 मतलब हो जाएगा 1/3 × 60, मतलब हो जाएगा 20 मीटर पर मिनट इसका काउंटर सिंकिंग या काउंटर बोरिंग ऑपरेशन के लिए कटिंग स्पीड होगा. ओके, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 754, ट्रिपेनिंग ऑपरेशन इज यूज फॉर मेकिंग. ट्रिपेनिंग ऑपरेशन का उपयोग डैश बनाने के लिए किया जाता है.
तो ट्रिपेनिंग ऑपरेशन हम लोग क्यों करते हैं? ऑप्शन नंबर ए बोर बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी फिनिश बोर बनाने के लिए मतलब फिनिश होल बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी काउंटर सिंकिंग करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी सुपर फिनिश बोर मतलब बहुत एक्यूरेट वाला या बहुत अच्छे फिनिश वाला बोर को बनाने के लिए करते हैं। तो इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बोर बनाने के लिए। तो ओनली जब आपको होल बनाना पड़ेगा तब हम लोग ट्रिपेनिंग ऑपरेशन करते हैं। ट्रिपेनिंग टूल कैसा होता है और इसका डिटेल में भी आपको जानना चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकता है या इसका टूल का अगर आपको डायग्राम दिया जाएगा तो मैक्सिमम स्टूडेंट इसका टूल का गलत आंसर देंगे क्योंकि इसका टूल का इमेज बुक पर भी दिया नहीं रहता जनरली, तो मैक्सिमम स्टूडेंट को पता नहीं होता। तो अगर एग्जाम में आपको ऐसे पूछा जाएगा कि ये कौन सा टूल है तो आप लोग इसका आंसर नहीं बता पाएंगे। तो ट्रिपेनिंग जो टूल है आप लोग जो सोचते हैं वैसा नहीं है, तो अलग टाइप का टूल है। तो कैसा होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इधर आप पढ़ सकते हैं ट्रिपेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लार्ज होल इन शीट मेटल। तो शीट मेटल में जब आपको बड़े होल बनाना पड़ेगा तब हम लोग ट्रिपेनिंग करते हैं। तो इसका एक चीज़ आपको याद रखना है कि लार्ज होल जब बनाना है शीट मेटल पर तब ट्रिपेनिंग हम लोग करेंगे। अगर स्मॉल होल शीट मेटल पर बनाना होता तब ड्रिलिंग हम लोग कर सकते हैं। तो अगर लार्ज बड़े साइज का होल बनाना है, बड़े डायमीटर का होल बनाना है, तब हमको कौन सा टूल का इस्तेमाल करना है? ट्रिपेनिंग टूल का इस्तेमाल करना है। स्मॉल डायमीटर होल इज ड्रिल्ड इन द सेंटर फॉर ड्रिलिंग ऑफ ए लार्ज डायमीटर होल। तो इसमें बोला है जब लार्ज डायमीटर ड्रिल आपको करना पड़ेगा तो सबसे पहले उसका सेंटर पोर्शन में स्मॉल डायमीटर होल आपको बना लेना है, ठीक है। तो जो होता है सेंटर ड्रिलिंग, तो जो कोई भी एक होल आपको बनाना है 60 मिलीमीटर डाया वाला एक होल बनाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे होल बनाना है उधर आपको सेंटर ड्रिल करना पड़ेगा। सेंटर ड्रिल करने के बाद स्मॉल डायमीटर होल उधर बन जाएगा, उसका बाद आपको ट्रिपेनिंग टूल यूज करके लार्ज डायमीटर होल आप लोग बना पाएंगे। द पायलट ऑफ ए ट्रिपेनिंग टूल इज फिटेड इन टू दिस होल एंड द लेंथ ऑफ द एडजस्टेबल आर्म इज टू द रेडियस ऑफ द होल टू बी कट। मतलब क्या, ट्रिपेनिंग टूल का पायलट भी होता है। पायलट क्या करता है, जो होल रहता है प्रीवियसली होल होता है उसका साथ टूल को कॉन्सेंट्रिक रखता है, ठीक है, स्व केंद्रित रखता है। तो पायलट सबसे पहले उस स्मॉल होल का अंदर चले जाते हैं क्योंकि पायलट का डायमीटर कम होता है ट्रिपेनिंग टूल का डायमीटर का तुलना से। तो स्मॉल होल में जाता है और टूल को कॉन्सेंट्रिक करता है, उसका बाद जितने साइज का आपको होल बनाना होता है उसका एडजस्टेबल आर्म को उसी साइज में आपको फिट करना पड़ता है और आपको वैसे होल बनाना पड़ता है। मतलब इसका जो आर्म होता है वो एडजस्टेबल होता है। कैसा होता है मैं आपको दिखाऊंगा डायग्राम में। ट्रिपेनिंग इज द ऑपरेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग ए होल बाय रिमूविंग मेटल along the circumference of a hollow cutting tool। तो एक होता है hollow cutting tool मतलब खोखले cutting tool, मतलब ये जो cutting tool होता है इसका अंदर वाला portion खोखले होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं हम लोग, होल बनाते हैं मेटल को रिमूव करके। ट्रिपेनिंग इज परफॉर्म्ड फॉर प्रोड्यूसिंग लार्ज होल विच कैन नॉट बी प्रोड्यूस बाई एनी ड्रिलिंग ऑपरेशन। तो ट्रिपेनिंग हम लोग तब यूज करेंगे जब जो ऑपरेशन या जो होल हम लोग ड्रिलिंग मशीन से नहीं कर पाएंगे वो होल बनाने के लिए ट्रिपेनिंग हम लोग करते हैं। ट्रिपेनिंग फॉर मेकिंग लार्ज थ्रू होल एंड और गेटिंग सिलिंड्रिकल सॉलिड कोर। तो ट्रिपेनिंग हम लोग यूज करते हैं लार्ज डायमीटर होल बनाने के लिए। इसका बाद में इसका डायग्राम दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं एक ट्रिपेनिंग टूल है, जैसे कि मैं आप लोगों को बताया हूँ कि इसका अंदर वाला पोर्शन होलो होता है मतलब खोखले होता है। तो आप देख सकते हैं एक खोखले है और इसका जो आर्म है उसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। और भी एक डायग्राम है तो इससे भी आपको पता चलेगा कि अंदर वाला पोर्शन है होलो होता है खोखले होता है और ये जो चार आर्म है उसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं जितना डायमीटर होल चाहिए उसका मुताबिक, ठीक है। तो ये होता है ट्रिपेनिंग टूल। शीट मेटल में जब आपको बड़े डायमीटर का होल बनाना है तब आप लोग इस्तेमाल करते हैं। ओके, 754 नंबर क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 755। द लेद इज ए मशीन टूल यूज्ड फॉर। खराद एक मशीन उपकरण है जिसका उपयोग डेस्क के लिए किया जाता है। तो मैं पहले ही आपको बोला था कि आज का क्लास का क्वेश्चन मज़ेदार बनेगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्यों बोला था, तो ये क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। इसमें बोल रहे हैं कि लेद मशीन एक ऐसा मशीन टूल है जिसका उपयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं, मेटल का शेपिंग करने के लिए भी करते हैं, मेटल में थ्रेड को बनाने के लिए भी करते हैं और मेटल का फेसिंग करने के लिए भी हम लोग करते हैं। फेसिंग मतलब क्या, तो कोई भी सिलिंड्रिकल जॉब है या कोई भी स्क्वायर जॉब है
हेक्सागॉन जो है उसका फेस को जब हम लोग ऑपरेशन करते, फेस में जो मेटेरियल रहता है उसको जब हम लोग रिमूव कर देते तो उसको बोलते हैं फेसिंग ऑपरेशन, ओके। और जब इसका डायमीटर से हम लोग मेटेरियल को रिमूव करते उसको बोलते हैं टर्निंग ऑपरेशन। और जब डायमीटर को हम लोग कहीं छोटे या कहीं बड़े करते हैं और धीरे धीरे जो ग्रेजुअली छोटे होता है बड़े होता है उसको बोलते हैं हम लोग टेपर टर्निंग, ओके। तो इसमें लेद मशीन का इस्तेमाल करके मेटल का शेप भी कर सकते, जैसे शेप चाहिए वैसे हम लोग कर सकते हैं, ग्रूविंग, इसके बाद थ्रेड कटिंग, इसके बाद फेसिंग हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर अगर आपको बोलते हैं कि शेपिंग के अंदर ही आ जाता है सिलिंड्रिकल बनाना, इसके बाद टेपर टर्निंग बनाना, इसके बाद और भी आता है जैसे नलिंग होता है, ठीक है। तो लेद मशीन का मदद सब लोग इन सबको कर सकते, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 756, इन लेद द पोजिशन ऑफ टूल पोस्ट इज, लेद में टूल पोस्ट की स्थिति होती है। तो देखो क्वेश्चन आसान है बट क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के इसका सेंटेंस को चेंज करके पूछे गया है। तो लेद में टूल पोस्ट की स्थिति होती है तो कहाँ पर ए लोकेटेड होता है, अबव द कैरेज, कैरेज का ऊपर, बिलो द कैरेज, कैरेज का नीचे, राइट साइड ऑफ द कैरेज, कैरेज का दाएं तरफ, ऑप्शन नंबर डी लेफ्ट साइड ऑफ द कैरेज मतलब कैरेज का बाएं तरफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अबव द कैरेज, क्योंकि आप लोग जानते हैं कैरेज का दो पार्ट होता है, एक होता है एप्रॉन और दूसरा होता है सैडल। सैडल होता है ऐसे एक एच शेप पार्ट, ठीक है। तो सैडल के ऊपर रहता है क्रॉस स्लाइड, क्रॉस स्लाइड के ऊपर रहता है कंपाउंड स्लाइड, कंपाउंड स्लाइड के ऊपर रहता है टॉप स्लाइड, और टॉप स्लाइड में फिट होता है टूल पोस्ट, और टूल पोस्ट में हम लोग टूल को फिट करते हैं। तो टूल पोस्ट किसका ऊपर रहता है, टॉप स्लाइड के ऊपर रहता है। तो धीरे धीरे अगर देखते हैं तो कैरेज का ऊपर ही होता है लेद मशीन का टूल पोस्ट, ठीक है, समझ में आ गया है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 757, इन लेद हेडस्टॉक सेंटर इज कॉल्ड, लेद मशीन में या लेद मशीन टूल में हेडस्टॉक सेंटर को हम लोग कौन सा नाम में जानते हैं, डेड सेंटर, लाइव सेंटर, न्यूट्रल सेंटर, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, लाइव सेंटर का नाम में जानते हैं। क्यों लाइव सेंटर का नाम में जानते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं लेद मशीन का जो भी मैकेनिज्म होता है वो कहाँ पे रहता है, वो हेडस्टॉक में ही रहता है। तो हेडस्टॉक असेंबली में सब कुछ रहता है, और हेडस्टॉक का जो स्पिंडल होता है, स्पिंडल क्या होता है, घूमता है, और उस स्पिंडल में ही हम लोग, स्पिंडल में रहता है मोर स्टेपर, और जो आप लोग सेंटर यूज़ करते हैं उसमें भी मोर स्टेपर रहता है, इसलिए स्पिंडल में ये टेप सेंटर जाता है और ये भी घूमता है, मतलब स्पिंडल घूमेगा तो सेंटर भी घूमेगा, मतलब क्या होता है लाइव है, जिंदा सेंटर है, ओके। और डेड सेंटर का अगर बात करते हो तो डेड सेंटर में कोई भी मेकानिज्म काम नहीं करता है, तो ये रोटेट नहीं होता है, ओके। तो डेड सेंटर क्या होता, डेड सेंटर का सॉरी जो टेल स्टॉक होता है, टेल स्टॉक का बैरल क्या होता है, वो रोटेट नहीं होता, तो उसमें भी मोर स्टेपर रहता है, उसमें भी हम लोग सेंटर यूज़ करते तो वो रोटेट नहीं होता, इसीलिए उसका सेंटर स्थिर रहता है, तो उसको हम लोग डेड सेंटर का नाम में जानते हैं। तो इससे एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लेद मशीन का कौन सा सेंटर पर ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, तो इसका राइट आंसर मैक्सिमम स्टूडेंट ऑप्शन बी को राइट आंसर करने वाला, मतलब लाइव सेंटर आप लोगों को करने वाले हैं, तो इसका गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि लेद मशीन का या लेद मशीन टूल का डेड सेंटर में ज़्यादा फ्रिक्शन होता है। इसीलिए जो भी स्टूडेंट प्रैक्टिकल किए वो आप लोग जानते हैं कि आप लोग जब टर्निंग करते हैं उससे पहले आप लोग क्या करेंगे, डेड सेंटर को टेल स्टॉक बैरल में डालेंगे, और डेड सेंटर का टिप पॉइंट में आप लोग ग्रीज लगा देते हैं, और जॉब का भी जो सेंट्रल ड्रिलिंग पोर्शन उधर भी आप लोग थोड़ा सा ग्रीज लगा देते हैं। तो ग्रीज क्या होता है, लुब्रिकेंट होता है, लुब्रिकेंट का क्या पर्पस होता है, फ्रिक्शन को कम करना। तो इधर फ्रिक्शन ज़्यादा होता है इसीलिए फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम लोग लुब्रिकेट का इस्तेमाल करते हैं। फ्रिक्शन इसमें ज़्यादा क्यों होता है, या देखो हेडस्टॉक का जो बैरल होता है वो घूमता है और उसमें लाइव सेंटर फिट होता है, जो सेंटर फिट होता है उसको लाइव सेंटर कहते हैं, तो ये भी घूमता है, मतलब दोनों का काम एक ही है, उसमें फ्रिक्शन कम होता है। बट इसमें क्या होगा, इसमें देखो जो टेलस्टॉक बैरल है तो वो स्थिर रहेगा, ओके, और उसमें भी जो सेंटर लगेगा उसको डेड सेंटर हम लोग बोल रहे हैं इसीलिए, तो ये तो नहीं घूमेगा। बट इसमें जो जॉब रहेगा, जॉब जो फिट होता है, ठीक है, देखो जॉब को टर्निंग करते टाइम हम लोग दो एंड में सपोर्ट देते हैं, एक लाइव सेंटर का तरफ और एक डेड सेंटर का तरफ। तो इसमें क्या होगा, इसमें जॉब घूमेगा बट डेड सेंटर स्थिर रहेगा,
तो इसमें एक पार्ट घूम रहा है एक पार्ट स्थिर रह रहा है, तो इसमें क्या होगा, इसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। अगर दोनों घूमता दोनों रोटेट होता तो उसमें फ्रिक्शन कम होता है। ओके, तो फ्रिक्शन का वजह से क्या होगा, हीट ज़्यादा होगा तो सेंटर आप लोग का डेड सेंटर खराब होने का चांसेस होता है। इसीलिए हम लोग सबसे पहले ऑपरेशन करने से पहले हम लोग वर्कपीस का जो सेंटर ड्रिलिंग पोर्शन है उसमें थोड़ा सा ग्रीज लगाते हैं, और जो डेड सेंटर होता है उसका भी टिप पोर्शन में थोड़ा सा ग्रीज लगाते हैं। तो देखो इससे आपको कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिला। मेरा क्लास का मतलब ही होता है कुछ नया आप लोग को सिखाना। हो सकता है कि मेरा क्लास रेगुलर आप लोग के लिए नहीं आता, बट सीरीज जब ख़त्म करने के लिए बोला हूँ तो ख़त्म करूँगा। तो रेगुलर क्लास नहीं आने का पीछे भी कारण होता है, क्योंकि अभी हम DRDO के लिए टेस्ट सीरीज रिलीज़ किया हूँ, तो आप लोग बोल रहे हैं सर SPMCL का जितना भी यूनिट है, जैसे करेंसी नोट प्रेस, इसके बाद SPP सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद, इसके बाद IGM कोलकाता, तो इनका रिक्रूटमेंट आ गया है, तो इसका टेस्ट सीरीज आप बना दीजिए। तो इसका टेस्ट सीरीज मैं बना रहा हूँ, इसीलिए मैं बिजी हूँ। ऑलमोस्ट इसका पाँच छः सेट ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, और दो तीन सेट हमें बनाना है एक दिन में, और उसको रिलीज़ करना है। तो इसीलिए मेरा टाइम उतना नहीं रहता, क्वेश्चन सिलेक्ट करना पड़ता, उसका बाद आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करना पड़ता। तो इसका रिक्रूटमेंट SPMCL का 3-4 यूनिट का तरफ से हाल ही में रिक्रूटमेंट आया, बहुत सारा स्टूडेंट फॉर्म भी डाला है, तो इसका टेस्ट सीरीज भी रिलीज़ होने वाला है, और एक फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग के लिए प्रोवाइड मैं करने वाला हूँ। मैं आप लोगों को पहले ही बताया था कि हर बार इसका टेस्ट सीरीज पेड नहीं मिलेगा, तो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मैक्सिमम मिलेगा। और इसका जो मैं टेस्ट सीरीज बना रहा हूँ ये बाकी यूनिट में भी काम में आएगा, इसलिए ये फ्री रहेगा और हम लोग इसमें टेस्ट ऐड करते रहेंगे। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना है कि टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल आप लोगों का साथ है, आप लोगों का प्रिपरेशन और भी अच्छा करने के लिए टेक मैकेनिकल आप लोगों का साथ है और साथ रहेगा भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 758, पीपल हु वर्क ऑन लेड जनरली कॉल्ड खड़ाद पर काम करने वालों लोगों को सामान्यतः डैश कहा जाता है। तो जो आदमी लेद मशीन पर काम करते हैं तो उसको जनरली हम लोग किस नाम से जानते हैं, टर्नर, मिलर, वर्कर या नॉन ऑफ दिस। तो देखो ITI में फीटर टर्नर मशीनिस्ट है, तो फीटर का भी सिलेबस में टर्नर का थोड़ा सा पोर्शन है, उसमें भी लेद मशीन है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि लेद मशीन फीटर वालों चला रहे हैं, एक्चुअली लेद मशीन पे जो काम करता है वो होता है टर्नर वालों। तो टर्नर वालों के लिए जो स्पेशल मशीन होता है या जो मेन मशीन होता है वो होता है लेद मशीन, ठीक है। तो लेद मशीन पर कौन आदमी काम करता है, टर्नर वालों काम करते हैं, तो जो आदमी काम करता है उसको टर्नर कहते हैं। ओके, अगर ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाता है कि मिलिंग मशीन पर अगर कोई भी आदमी काम कर रहा है तो उसको जनरली किस नाम से जानते हैं, तो उसको मिलर का नाम से हम लोग जानेंगे, ठीक है। और जनरली अगर बोलेगा कि कोई भी आदमी फिटिंग कर रहे हैं और कोई भी जॉइंट बना रहा है, कोई भी काम को फिट कर रहा है मेल फीमेल पार्ट को, तो वो होता है फिटर वालों, समझ में आ गया। और नॉर्मल जो काम करते हैं उसको आप लोग वर्कर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक क्वेश्चन जो लेद मशीन से पूछे जाते हैं, बहुत दिन में आप लोग का साथ में मैं नहीं बताया हूँ कि मदर ऑफ मशीन कौन सा मशीन को कहते हैं, तो मदर ऑफ मशीन होता है लेद मशीन, ठीक है। तो इतने सारा मशीन है, लेद, मिलिंग, प्लेनिंग मशीन, शेपिंग मशीन, स्लॉटर मशीन, CNC मशीन, होबिंग मशीन, इतने सारा मशीन है, फिर भी सब मशीन का अगर जनक किसी को पूछता है या मादर फादर जो भी नाम से उसको बुलाया जाए तो वो होता है लेद मशीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 759, व्हिच टाइप ऑफ प्रोसेस द मशीनिंग कैन बी, मशीनिंग किस प्रकार की क्रिया हो सकती है। तो जब हम लोग मशीनिंग करते हैं, मशीनिंग मतलब क्या होता है, मशीन में जो हम लोग चीज़ को काट रहे हैं या कोई भी ऑपरेशन हम लोग कर रहे हैं, तो जब हम लोग कोई भी ऑपरेशन करते कोई भी मशीनिंग करते हैं तो किस टाइप का प्रोसेस होता है, कोल्ड प्रोसेस, हॉट प्रोसेस या बोथ A and B, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द एबव। तो इन चार में से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखो कोई भी मशीन पर अगर हम लोग काम करते हैं, मशीनिंग अगर कर रहे हैं या ऑपरेशन कर रहे हैं, मतलब वो जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस कोल्ड वर्किंग प्रोसेस होता है, ठीक है। मशीन पर हम लोग कभी भी हॉट वर्किंग नहीं करते हैं, गर्म वर्कपीस को हम लोग मशीनिंग
नहीं करते हैं। गर्म वर्कपीस मतलब क्या होता है, जो फोर्जिंग होता है, तो फोर्जिंग होता है हॉट वर्किंग प्रोसेस। तो फोर्जिंग शॉप में हम लोग जो प्रोसेस करते हैं तो उसको बोलता है कि हॉट वर्किंग प्रोसेस। बट जब हम लोग कोई भी मशीनिंग करते हैं, चाहे सीएनसी है, मिलिंग है, प्लेनर है, स्लॉटर है, शेपिंग है, सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग है, सरफेस ग्राइंडर है, तो सब में ही हम लोग जो मशीनिंग करते हैं वो कोल्ड वर्किंग प्रोसेस होता है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि आज का क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 760, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ लेद मूव इन ए डायरेक्शन नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ स्पिंडल। तो इस क्वेश्चन का सेंटेंस थोड़ा सा गड़बड़ है। तो इसमें एक्चुअली आपको पूछे जा रहा है कि लेद मशीन का कौन सा पार्ट है जो लेद मशीन का स्पिंडल का एक्सिस बराबर मूव होता है। तो इसमें चार ऑप्शन दिया है, क्रॉस स्लाइड, सैडल, कॉम्पाउंडेस्ट, और चौथा ऑप्शन नॉन ऑफ द मेंशन, मतलब ऊपर में से कोई ठीक नहीं है। तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा सा भी ध्यान से देखते हैं तो इसमें आपको वही बताया जा रहा है कि स्पिंडल के एक्सिस का बराबर उसी डायरेक्शन में मूव होता है लेद मशीन का कौन सा पार्ट। तो लेद मशीन का जो सैडल पार्ट होता है वो एच शेप का पार्ट होता है। ओके, और ये जो सैडल पार्ट होता है कैरेज का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और इधर जो पार्ट होता है ये पार्ट होता है आपका एप्रॉन, ठीक है। तो स्पिंडल के एक्सिस बराबर मूव करने के लिए बोला है, मतलब एच शेप जो सैडल है वही मूव होता है। बाकी क्रॉस स्लाइड अगर देखो तो वो क्या होता है, स्पिंडल के एक्सिस का परपेंडिकुलर मूव होता है। अगर कंपाउंड रेस्ट देखो तो कंपाउंड रेस्ट में क्या होगा, वो एंगुलर स्पिंडल एक्सिस का एंगुलर में मूव होगा। बट इस चार ऑप्शन में से अगर आपको देखना है तो सैडल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सैडल लेद मशीन का जो स्पिंडल होता है उसके एक्सिस बराबर मूव करता है, ठीक है, समझ में आ गया है। और ऐसे अगर आपको पूछता कि क्रॉस स्लाइड हम लोग कौन सा फीड देता है, क्रॉस स्लाइड देते हैं परपेंडिकुलर फीड, कैरेज देता है लॉन्गिट्यूडनल फीड, और कंपाउंड रेस्ट या कंपाउंड स्लाइड देते हैं एंगुलर फीड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 761, व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म टेपर 1:40। तो इसमें आपको पूछे जा रहा है कि टेपर 1:40 का मतलब क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए, डिफरेंस इन डायमीटर इज 1 inch फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 40 inch ऑफ द जॉब मेजर्ड अलोंग द एक्सिस। ऑप्शन नंबर बी, मिनिमम डाया इज 1 inch एंड मैक्सिमम डाया इज 40 inch, डिफरेंस इन डाया इज 48 inch, सब 40 inch होगा, ठीक है, मतलब डाया में 40 inch का डिफरेंस है। चौथा ऑप्शन, मिनिमम डाया 1 inch एंड ओवरऑल लेंथ 48 inch। तो 1:40 इसका मतलब क्या होता है, तो टेपर रेशियो का नाम आप लोग सुने हैं, जिसको हम लोग कॉनिसिटी कहते हैं, जिसको हम लोग कैपिटल के से इंडिकेट करते हैं। तो इसमें 1:40 मतलब होता है 1:40। तो ये एक्चुअली क्या है, ये टेपर रेशियो है। टेपर रेशियो क्या होता है, 2000 MCQ का सीरीज में मैं आपको डिटेल में बताया था, ठीक है। तो 1:40 मतलब क्या होता है, 1/40 होगा। तो के इजिकल टू आप लोग बोल सकते हैं, मतलब कॉनिसिटी इजिकल टू आप लोग बोल सकते हैं, ओके। और इसमें एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है, क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बटा लेंथ ऑफ टेपर, ठीक है। तो इसमें समझ में आ गया, तो इसका मतलब क्या होता है कि इसमें जो वन है, वन मतलब होता है कि बिग डायमीटर और स्मॉल डायमीटर का बीच का डिफरेंस होता है वन, जो भी चाहे यूनिट दिया है, ओके, इंच में दिया तो इंच हो जाएगा, ओके। और इधर लेंथ ऑफ टेपर हो जाएगा 40 inch, ठीक है। तो इसमें पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं, डिफरेंस इन डाया इज 1 inch, मतलब जो बिग डायमीटर और स्मॉल डायमीटर है उन दोनों डायमीटर के बीच में डिफरेंस होता है 1 inch, और डिस्टेंस ऑफ 40 inch ऑफ द जॉब मेजर्ड अलोंग द एक्सिस, मतलब इनका बीच में जो टेपर होता है वो टेपर कितना होता है, ऐसे मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ, तो ऐसे टेपर का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, इसका टोटल लेंथ हो जाएगा, टोटल लेंथ में ये टेपर है 40 हो जाएगा, 40 inch हो जाएगा, ओके। और इधर अगर आप लोग नॉर्मली देखते हैं, ये अगर आपका 10 होता है तो ए हो जाएगा 9, मतलब क्या होता है के कोनिसिटी के इजिकल टू आप लोग लिख सकते हैं बिग डायमीटर माइनस स्मॉल डायमीटर, मतलब 10 - 9 इजिकल टू होता है बटा होता है लेंथ ऑफ टेपर, मतलब 40 हो जाएगा। तो इसमें आप लिख सकते हो 1/40,
वन बटा 40 को आप लोग 1:40 में भी लिख सकते हैं, जो होता है टेपर रेशियो, और 1:40 को ही हम लोग 1:40 कहते हैं। ठीक है, तो इसमें से क्या पता चलता है, ऊपर में जो होता है मतलब होता है दोनों डायमीटर का रिफरेंस होता है, नीचे होता है लेंथ ऑफ टेपर। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, जितना भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को फैक्ट क्लियर करूंगा, कोई भी क्वेश्चन पर आप लोगों का डाउट नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 762, टू प्रिवेंट लेथ बेड गाइडर्स फ्रॉम डैमेजिंग बाय चक व्हाइल माउंटेनिंग, मतलब लेथ मशीन पर जब हम लोग चक को हेडस्टॉक स्पिंडल में फिट करते हैं, लगाते हैं, तब लेथ बेड गाइडर्स को बचाने के लिए, डैमेज होने से बचाने के लिए हम लोग कौन सा प्रिकॉशंस फॉलो करते हैं। तो ये होता है हेडस्टॉक, और इसका जो स्पिंडल होता है ये होता है हेडस्टॉक स्पिंडल, इसमें एक्सटर्नल थ्रेड होता है, ओके, और इधर टेलस्टॉक रहता है। तो सोचो कोई भी जॉब है तो जस्ट आपको फेसिंग करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 3J चक या 4J चक को हेडस्टॉक स्पिंडल पर लगाना पड़ेगा। तो ये होता है लेथ बेड गाइडर्स, ऐसे होगा। ओके, सबसे पहले आप लोग नीचे से उठा के आप लोग सबसे पहले कहाँ रखेंगे, लेथ बेड गाइड वे का ऊपर रखेंगे। तो चक होता है बहुत हेवी, तो उसका कारण क्या होता है, वो डैमेज भी हो सकता है। ओके, इसीलिए और एक क्या होता है, जब आप लोग इसको लगाने जाते हैं, इधर जो स्पिंडल पर हेडस्टॉक स्पिंडल पर थ्रेड होता है, एक्सटर्नल थ्रेड होता है, और इधर जो आपका चक होता है उसमें भी इंटरनल थ्रेड होता है। जब आप लोग इसको लगाने जाएंगे तो लगाते टाइम अगर कुछ मिस्टेक का कारण अगर वो गिर जाके लेथ बेड पर गिरेगा तो क्या होगा, लेथ बेड डैमेज हो जाएगा। और लेथ बेड स्मूथ होना चाहिए, तभी तो उसका कैरेज मूव हो पाएगा, आगे पीछे हो पाएगा। तो डैमेज अगर हो जाएगा तो पूरा लेथ मशीन का नुकसान है। ओके, इसीलिए हम लोग कौन सा प्रिकॉशंस फॉलो करेंगे। और लेथ मशीन अब इधर क्यों डैमेज हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते लेथ बेड पर हम लोग फ्लेम हार्डनिंग करते, फ्लेम हार्डनिंग होता है एक सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस, ओनली इसका सरफेस हार्ड होता है, जो लेथ बेड होता है, लेथ बेड गाइड होता है तो उसमें सरफेस से हार्ड होता है, टोटल वो हार्ड नहीं होता है। इसीलिए अगर चक उसको माउंटेनिंग करते रहें, चक को माउंटेनिंग करते रहेंगे में गिर जाएगा तो लेथ बेड वे डैमेज हो सकता है। उसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेथ बेड गाइड वे का ऊपर हम लोग एक वुडेन पीस हम लोग रख देते हैं। अगर गिरेगा भी माउंटेनिंग करते टाइम, लगाने का टाइम, तो ये लकड़ी का ऊपर गिरेगा, और लकड़ी का ऊपर गिरेगा डायरेक्टली गिरेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेथ बेड वे इसमें डैमेज नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेस ए वुडन पीस ऑन द गाइड वे, मतलब गाइड वे पर एक वुडन पीस लकड़ी का टुकड़ा उसमें प्लेस कर देना है। ठीक है, तब जब अगर गिर भी जाएगा तो लकड़ी का ऊपर गिरेगा तो इसका कारण कोई भी डैमेज नहीं होगा लेथ बेड वे पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन का साथ साथ आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा 100% में आपको बता सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 763, द कैरेज इन ए लेथ मूव्स, तो लेथ मशीन का कैरेज कैसा मूव होता है, तो लेथ मशीन का जो कैरेज होता है उसमें जो व्हील होता है उसको घुमाने से वो लंगिट्यूडिनल फीड देता है, मतलब क्या होता है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, स्पिंडल के एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है उसका पैरालल मूव होता है। ओके, ऐसे अगर बोलते हैं कि इस लेथ मशीन का कैरेज कौन सा डायरेक्शन में मूव होता है, तो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब स्पिंडल का रोटेशन के एक्सिस का परपेंडिकुलर 90 डिग्री में मूव होता है। अगर ऐसे बोलता कि द कंपाउंड स्लाइड इन ए लेथ मूव्स, मतलब कंपाउंड स्लाइड कैसे मूव होता है, एट एनी एंगल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब स्पिंडल एक्सिस जिस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है उसका एंगल में कंपाउंड स्लाइड मूव होता है। ठीक है, तो इसमें जस्ट कैरेज का बात किए तो कैरेज हो जाएगा स्पिंडल एक्सिस रोटेशन का पैरालल मूव होता है, और जो लंगिट्यूडिनल फीड हम लोग को देता है और सिलिंड्रिकल सर्फेस इसमें बनता है। समझ में आ गए हैं। और इसमें एक चीज़ आपको याद रखना है, लॉन्गिट्यूडनल फीड से सिलिंड्रिकल सरफेस बनता है, क्रॉस फीड से फ्लैट सरफेस बनता है, और एंगुलर फीड से टेपर सरफेस बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 764, व्हिच अमंग द फॉलोइंग सेंटर इज सुइटेबल व्हेन द वर्क पीस हेल्ड बिटवीन सेंटर इज टू बी टर्न्ड एट हाई स्पीड। तो इससे पहले मैं आपको बताया था लाइव सेंटर क्या होता है, डेड सेंटर क्या होता है। तो टेलस्टॉक एंड पर हम लोग जॉब को सपोर्ट देने के लिए, सहायता देने के लिए, जो भी लंबे जॉब होता है तो उसको एक एंड से सिर्फ पकड़ के रखेंगे तो क्या होगा, लंबा होता है, इसीलिए बेंडिंग फोर्स ज़्यादा होने का कारण क्या
हो जाएगा। इसमें जब आप लोग कटिंग करेंगे तो इसमें बेंड होने का चांस ज़्यादा रहेगा, इसलिए हम लोग ऑपोजिट साइड से भी टेल स्ट्रोक एंड से और एक सेंटर लगा के हम लोग लंबे जब को सपोर्ट देते हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग एक ऐसा सेंटर को रखते हैं जो भारी जब को हाई स्पीड में जब टर्निंग करने का ज़रूरत पड़ेगा, मतलब हेवी जब को जब आपको हाई स्पीड पर टर्निंग करने का ज़रूरत पड़ेगा, तब कौन सा सेंटर टेल स्ट्रोक एंड पर आपको फिट करना है, बॉल सेंटर, हाफ सेंटर, ऑप्शन नंबर सी पाइप सेंटर, ऑप्शन नंबर डी रिवॉल्विंग सेंटर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रिवॉल्विंग सेंटर। सेंटर का बारे में डिटेल में मैं आपको प्रीवियस 2000 एमसीक्यू क्लास में आपको बताया था, पूरा डिटेल में मैं आपको बताया था, ठीक है। फीमेल सेंटर का भी बारे में मैं आपको बताया था, पाइप सेंटर का बारे में, सभी का बारे में मैं डिस्कशन किया था। तो जब हेवी जॉब को हाई स्पीड पर घुमाना पड़ेगा टर्निंग करने के लिए, तब हम लोग रिवॉल्विंग सेंटर यूज़ करते हैं, ओके। और जब आपको दोनों सेंटर का बीच में फेसिंग करना पड़ेगा तब हाफ सेंटर यूज़ होता है, और जब आप लोग टेल स्ट्रोक ऑफसेट मेथड से टैपर टर्निंग करते हैं तो बॉल सेंटर का इस्तेमाल होता है, और जब पाइप को सपोर्ट देना पड़ता है तो पाइप सेंटर का ज़रूरत पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 765, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ टेल स्ट्रोक। निम्नलिखित में से कौन सा टेल स्ट्रोक का विशेषता नहीं है, तो टेल स्ट्रोक का कौन सा फीचर नहीं होता है, तो लेद मशीन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टेल स्ट्रोक, ठीक है, जो ऑपरेटर का राइट साइड में होता है। तो इसमें आपको वही पूछे जा रहा है कि टेल स्ट्रोक का कौन सा फीचर नहीं, तो कौन सा विशेषता नहीं होता है, इट होल्ड्स द जॉब, जॉब को ये पकड़ता भी है, ओके। ऑप्शन नंबर बी, ड्रिल्स एंड रिमर्स कैन बी माउंटेड ऑन इट, मतलब ड्रिल और माउंट रिमर को हम लोग इसमें माउंट भी कर सकते, लगा भी सकते, डेड सेंटर को भी हम लोग स्पिंडल पर फिट कर सकते हैं, और इट कैन बी यूज्ड फॉर टैपर टर्निंग बाय ऑफसेट मेथड। मतलब क्या होता है, इसमें हम लोग जब टैपर टर्निंग करना पड़ेगा ऑफसेट मेथड से, टेल स्ट्रोक ऑफसेट मेथड से, तब हम लोग इसका मदद से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन सा टेल स्ट्रोक का प्रॉपर्टी नहीं होता है या फीचर नहीं होता है, तो देखो, जॉब को पकड़ना टेल स्ट्रोक इनका काम नहीं होता है, जॉब को पकड़ना काम होता है हेड स्ट्रोक का, हेड स्ट्रोक स्पिंडल में जॉब को हम लोग पकड़ते हैं, बट टेल स्ट्रोक क्या करता है, जॉब को सपोर्ट देता है। ऐसे अगर रहता कि इट सपोर्ट द जॉब, तब राइट आंसर हो जाता, ये टेल स्ट्रोक का भी फीचर होता है, बट टेल स्ट्रोक जॉब को पकड़ता नहीं है, पकड़ता कौन, हेड स्ट्रोक पकड़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, टेल स्ट्रोक का ये वाला फीचर नहीं होता है, ओनली जॉब को सपोर्ट देता है। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 766, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टूल पोस्ट इज इजी फॉर सेटिंग द टूल सेंटर हाइट ऑफ द टूल इन ए लेद। लेद में टूल सेंटर की ऊंचाई को सेट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा टूल पोस्ट आसान है, तो आप लोग जानते हैं अलग अलग लेद मशीन पर अलग अलग टूल पोस्ट फिट होता है, तो उसमें से कौन सा टूल पोस्ट ऐसा है जिसमें हम लोग टूल का सेंटर हाइट को इजीली फिट कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए ओपन साइड टूल पोस्ट, ऑप्शन नंबर बी सिंगल स्क्रू टूल पोस्ट, ऑप्शन नंबर सी फोर वे टूल पोस्ट, ऑप्शन नंबर डी यूनिवर्सल टूल पोस्ट। तो इन चार ऑप्शन में से मैक्सिमम स्टूडेंट इसका राइट आंसर दे पाएंगे, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख के आप लोग इसका आंसर डी करने वाला है, यूनिवर्सल टूल पोस्ट, तो डी सही आंसर है। तो यूनिवर्सल टूल पोस्ट या क्विक चेंज टूल पोस्ट दोनों सेम होता है, क्विक चेंज टूल पोस्ट का दूसरा नाम होता है यूनिवर्सल टूल पोस्ट, जिसमें हम लोग कटिंग टूल का सेंटर हाइट को इजीली सेट कर सकते हैं, ओके। तो जितने टाइप का टोटल टूल पोस्ट होता है इसका बारे में आपको डिटेल में बताना है, क्योंकि एक नया टॉपिक है तो इसको भी कवर कर लेना चाहिए। तो लेके चलता हूँ इसका डिटेल थ्योरी में। द टूल पोस्ट होल्ड्स एंड फर्मली सपोर्ट द टूल और टूल्स। तो इसमें बोल रहा है टूल पोस्ट क्या करता है, टूल मतलब एक टूल या एक से ज़्यादा टूल को फर्मली मतलब मजबूत से पकड़ता है। द टूल पोस्ट इज फिटेड ऑन द टॉप स्लाइड, टूल पोस्ट टॉप स्लाइड का ऊपर फिट होता है और टूल पोस्ट में टूल फिट होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं टॉप स्लाइड है, उसमें टी स्लॉट काटे हैं, ओके, और उसमें आप देख सकते हैं टूल पोस्ट भी फिट हुआ है, और टूल पोस्ट में हम लोग टूल को डाल के ऊपर से हम लोग उसको टाइट कर दे रहे हैं, ओके। एक टाइप का एक टूल पोस्ट होता है। तो द कॉमनली यूज टाइप ऑफ टूल पोस्ट आर, मतलब जनरली जो और टूल पोस्ट यूज होता है उसका क्या क्या टाइप होता है। सबसे पहला अमेरिकन टाइप टूल पोस्ट, जिसको सिंगल वे टूल पोस्ट कहते हैं,
तो सिंगल वे टूल पोस्ट को अमेरिकन टाइप टूल पोस्ट का नाम में जानते हैं। इसका बाद इंडेक्सिंग टाइप टूल पोस्ट मतलब स्क्वायर टूल पोस्ट, और तीसरा क्विक चेंज टूल पोस्ट जिसका बारे में डिटेल में डिस्कशन करना है, यूनिवर्सल टूल पोस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले सिंगल वे टूल पोस्ट आप देख सकते हैं, इसका डायग्राम देख के आपको समझ में आ रहा है। जस्ट सिंगल वे टूल पोस्ट मतलब सिंगल वे है तो इसमें हम लोग एक ही टूल को फिट कर सकते हैं। इट कॉन्सिस्ट ऑफ ए सर्कुलर टूल पोस्ट बॉडी एंड ए पिलर विथ ए स्लॉट एकोमोडेटिंग द टूल और टूल होल्डर, ए रिंग बेस और ए रॉकर आर्म या बोट पीस एंड टूल क्लैंपिंग स्क्रू कंप्लीट द असेंबली ऑफ दिस टाइप ऑफ टूल पोस्ट। तो हम जिस ITI से पास आउट किए उसी ITI में सिंगल वे टूल पोस्ट का हम इस्तेमाल करके आए हैं, जिसको अमेरिकन टाइप टूल पोस्ट कहते हैं। तो इसको हम बहुत अच्छा से जानते हैं, बाकी टूल पोस्ट हमने देखा है बट इसको हम यूज़ किए हैं। इसमें क्या होता है, इसका एक सर्कुलर रिंग होता है, ठीक है, और सर्कुलर रिंग में क्या होता है आप देख सकते हैं, एक पिलर भी फिट होता है, ऐसे जो पिलर है ना, एक पिलर भी है, ओके। और इसमें क्या होता है, इसमें एक रॉकर आर्म भी है, एक रॉकर आर्म इस टाइप का होता है, एक बोट शेप का होता है, ठीक है। बोट आप लोग देखे, बोट का मतलब भी आप लोग जानते हैं, हिंदी में आपको हमें पता नहीं है बोट का मतलब क्या होता है, तो बोट शेप ऐसा होता है, ठीक है। तो वो कहाँ पे फिट होता है, वो आप देख सकते हैं, ये जो टूल है, टूल का नीचे ये जो आपको देखने को मिल रहा है, ये होता है बोट शेप का है, ठीक है। तो उसका मदद से क्या होता है, उसका मदद से आप देखिए, ये जो आपका मेटल रिंग पीस है उसमें क्या हो गया, बोट शेप चला जाएगा, और बोट शेप इस टाइप का होता है, सेमी सर्कुलर टाइप होता है, ठीक है। तो उसका हिसाब से इसके ऊपर आप लोग टूल को रखते हैं, तो उसका हिसाब से आप लोग सेंटर हाइट में फिट कर सकते हैं। अगर आप लोग देखिए सेंटर हाइट ए होता है, और ये अगर बोट अगर थोड़ा सा ऐसे ऐसे अगर थोड़ा सा ऊंचा है, मतलब इस टाइप का अगर बोट है, तो टूल कैसे फिट होगा, टूल ऐसे फिट होगा, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, बोट को थोड़ा सा और इधर घिसना पड़ेगा, तो थोड़ा सा स्लाइड करने के बाद तो क्या हो जाएगा, बोट ऐसे हो जाएगा, बोट जब ऐसे होगा तब टूल पोस्ट भी ऐसे हो जाएगा, और उस सेंटर हाइट में तब हम लोग फिट करेंगे कर पाएंगे। तो बोट शेप या बोट जो पीस होता है इसका नाम होता है रॉकर आर्म, ठीक है। तो ये कहाँ पे फिट होता है, ये आप देख सकते हैं टॉप स्लाइड पर जो टी स्लॉट कटा है उस पर फिट होता है, और ऊपर से क्या होता है, जब भी आप लोग टूल को डाल दें ऊपर से एक नाट है, या आप लोग बोल सकते हैं स्क्रू है, तो उसका मदद से आपको क्या करना पड़ता है, टाइट करना पड़ता है, तभी ये टूल होल्ड हो जाएगा, ओके। तो ये तो सिंपल वाला गया। इसका बाद नेक्स्ट आता है, मैं आपको बताता हूँ, इंडेक्सिंग टाइप टूल पोस्ट जिसका दूसरा नाम स्क्वायर टूल पोस्ट, ठीक है, मतलब इसमें स्क्वायर शेप का होता है, और इसमें चार डिफरेंट आप लोग टूल को होल्ड करा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें टरेट लॉक है, और ऊपर से इतना सारा इसमें क्लैंपिंग स्क्रू है, मतलब इसका जो क्लैंपिंग पावर होगा थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें चार टूल भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्लैंपिंग फोर्स आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, क्लैंपिंग प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए। तो ये होता है फोर वे टूल पोस्ट, या आप लोग इसको स्क्वायर टूल पोस्ट या इंडेक्सिंग टाइप टूल पोस्ट कह सकते हैं। तो इसका नाम है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्क्वायर टूल पोस्ट, इंडेक्सिंग टाइप टूल पोस्ट और फोर वे टूल पोस्ट। फोर टूल कैन बी फिक्स्ड इन दिस टाइप ऑफ टूल पोस्ट। तो इस टूल पोस्ट में हम लोग चार टाइप टूल आप लोग फिट कर सकते हैं, एंड एनी वन कैन बी ब्रॉट इन टू द ऑपरेटिंग पोजिशन। तो इनमें से कोई एक को आप लोग ऑपरेटिंग पोजीशन में ला सकते हैं। द स्क्वायर हेड इज क्लैंप विद द हेल्प ऑफ हैंडल लीवर। तो इसमें स्क्वायर हेड कैसे क्लैंप होता है, जो लीवर मैं आपको दिखाया हूँ टरेट लीवर, उसका मदद से वो हैंडल हम लोग टाइट करके क्या करते हैं, स्क्वायर हेड को टाइट करते हैं या क्लैंप करते हैं। बाय लूजनिंग द हैंडल लीवर द नेक्स्ट टूल कैन बी इंडेक्स्ड। तो इसमें क्या होता है, देखो ये टूल को जब यूज़ करना पड़ेगा तो हम लोग इसको सबसे पहले इस साइड में लेके आए और इसको टाइट कर दे। इसके बाद अगर ए टूल को यूज़ करना है तो इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग थोड़ा सा रोटेट करेंगे, तो इधर ए वाला टूल जब इधर आ जाएगा तब क्या होगा, फिर से इस टरेट लॉक को लॉक कर देंगे। फिर इसको जब उधर लेके जाना पड़ेगा, इसको लेके आना पड़ेगा, तो फिर इसको सबसे पहले लूज़ करना है, फिर इसको आप लोग इधर स्लाइड करके ला सकते हैं। तो ऐसे आप लोग अलग अलग टूल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बोला है द इंडेक्सिंग इज मैनुअली, तो इसमें इंडेक्सिंग मैनुअली होता है, मतलब आपको जो टूल का एक का बाद इंडेक्सिंग मतलब क्या होता है, इसमें आप देख सकते हैं कि एक का बाद एक इसमें यूज हो रहा है, इसमें एक ही टूल पोस्ट है बट उसमें चार टूल है, तो उसमें चार टूल भी क्या होता है, एक का बाद एक आएगा, एक का बाद जब एक आएगा उसको इंडेक्सिंग हम लोग कहेंगे। तो इसमें हम लोग ये मैनुअली करते हैं, ओके, लीवर का मदद से।
इसके बाद इसका एडवांटेजेस बताया जा रहा है कि इसका सुविधा क्या होता है। ईच टूल इज सिक्योर्ड इन द टूल पोस्ट बाय मोर देन वन बोल्ट। तो इसमें एक एक टूल पोस्ट को मतलब एक एक टूल को टूल पोस्ट पर एक से ज़्यादा बोल्ट से क्लैंपिंग किया जाता है, इसलिए रिजिडिटी बहुत अच्छा होता है। और फ्रीक्वेंट चेंजिंग ऑफ द टूल फॉर डिफरेंट ऑपरेशन, चार जो अलग अलग इसमें आप लोग टूल यूज़ कर रहे हैं तो डिफरेंट पर्पज़ के लिए आप लोग टूल यूज़ कर सकते हो। कोई थ्रेडिंग टूल होगा, कोई अगर टर्निंग टूल होगा, कोई अगर ग्रूविंग टूल होगा, तो आप लोग चार इसमें टोटल टूल पोस्ट है, मतलब टूल पोस्ट एक है बट उसमें चार स्लॉट है, तो उसमें डिफरेंट टूल आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें बोला है फोर टूल कैन बी क्लैम्प्ड एट द सेम टाइम, और फोर टूल चार टूल को आप लोग एक साथ क्लैम्प कर सकते हैं। बट इसका इसको चलाने के लिए स्किल का ज़रूरत होता है, इसका सेंटर हाइट जब आप लोग सेट करने जाएंगे इसके लिए आपको ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो ये होता है इसका डिसएडवांटेजेस। बाकी ऊपर जो दोनों बताया मैं उसका सुविधा बताया हूँ। और क्विक चेंज टूल पोस्ट मतलब जिसमें हम लोग जल्दी जल्दी चेंज कर सकते हैं, जल्दी सेट करना मतलब होता है कि उसमें सेंटर हाइट हम लोग जल्दी कर सकते हैं, इसको यूनिवर्सल टूल पोस्ट का नाम में जानते हैं। मॉडर्न लेद में इस टाइप ऑफ टूल पोस्ट यूज होता है। इंस्टेड ऑफ चेंजिंग द टूल, टूल चेंज करने का जगह हम लोग क्या करते हैं, द टूल होल्डर इज चेंज व्हिच इज द टूल इज फिक्स्ड, मतलब टूल होल्डर पर ही टूल फिक्स होता है, तो इसको हम लोग चेंज कर देते हैं। मैक्सिमम टाइम क्या होता है, हम लोग टूल को चेंज करते हैं, ग्राइंडिंग करके लाते हैं, तो इसमें एक्चुअली होता है क्या, टूल होल्डर पर ही टूल फिक्स होता है, तो जब आपको चेंज करना पड़ता है तो डायरेक्ट आपको टूल होल्डर को चेंज करना था। और एक क्या होता है, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, मतलब ये थोड़ा सा महंगा होता है और रिक्वायर्स अ नंबर ऑफ टूल होल्डर, इसके लिए आप लोगों को बहुत सारा टूल होल्डर का जरूरत पड़ेगा। बट इट कैन बी सेट टू द सेंटर हाइट इजीली, मतलब बट इसमें सेंटर हाइट आप लोग इजीली निकाल सकते हैं। और इसका रिजिडिटी बहुत अच्छा होता है, इसमें आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ एक ही टूल आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे डायरेक्ट आपका टूल होल्डर चला जाएगा, टूल होल्डर में टूल भी फिट होगा, तो जब भी आप लोग इसको फिट कर देंगे तो लीवर को टाइट कर देंगे तो टाइट हो जाएगा, और ये जो नाट है इसका मदद से आप लोग क्या कर सकते हैं, टूल को आप लोग मजबूती से पकड़ सकते हैं, ठीक है। और क्या, जब भी आपको चेंज करना होगा टूल का जगह, आप लोग पूरा टूल होल्डर को चेंज कर देंगे, तो क्या होगा, इसका तो देखो इसका तो सेंटर हाइट सब हर टाइम ठीक रहेगा, ठीक है। और टूल होल्डर भी जब भी आएगा इधर फिट कर देंगे तो सेंटर हाइट इजीली इसको आप लोग निकाल सकते हैं, सेंटर हाइट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ओके। तो ये था टोटल डिस्कशन, जितना भी डिस्कशन करना था टूल पोस्ट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। 766 नंबर क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 767, एन एंगुलर वर्क पीस इज टू बी फेस्ड, इट शुड बी माउंटेड, एक कोनियो वर्क पीस का सामना करना पड़ता है, इसे लगाया जाता है। तो इसमें जो हिंदी है थोड़ा सा गलत दिया है, फेसिंग ऑपरेशन आप लोग जानते हैं, तो जब एक एंगुलर वर्कपीस है तो उसमें जब आपको फेसिंग करना पड़ेगा तो उसको सबसे पहले कहाँ पे पकड़ना पड़ेगा। देखो हम लोग थ्रीजा चक में क्या करते हैं, रेगुलर वर्कपीस को हम लोग पकड़ते हैं, फोर्जा चक में हम लोग इरेगुलर वर्कपीस को पकड़ सकते हैं, बट एंगुलर जॉब को हम लोग नहीं पकड़ पाएंगे। इरेगुलर शेप मतलब उसका अगर मतलब शेप अगर टोटली सिलिंड्रिकल नहीं है तब भी ठीक है, स्क्वायर नहीं है, हेक्सागन नहीं है तब भी ठीक है, बट इसमें क्या ये एंगुलर वर्कपीस है, एंगल टाइप वर्कपीस है, तो ऐसा जॉब को जब आपको पकड़ के फेसिंग करना पड़ेगा तो इसमें किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, थ्रीजा चक, कॉलेट चक, इन बिटवीन सेंटर मतलब दोनों सेंटर का बीच में आपको करना है, या ऑन ए फेस प्लेट, या फेस प्लेट पर लगा के आपको फेसिंग करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फेस प्लेट पर लगा के। तो जब भी कोई भी एंगुलर वर्कपीस होगा तो फेस प्लेट पर आपको लगाना है और उसका बाद आप लोग उसका फेसिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो एंगुलर वर्कपीस या इरेगुलर जब भी वर्कपीस होता है इसके लिए ऑलवेज फेस प्लेट यूज होता है। तो फेस प्लेट कैसा होता है मैं आपको दिखाता हूँ। लेद एक्सेसरीज आर यूज आइदर फॉर होल्डिंग और सपोर्टिंग द जॉब। लेद एक्सेसरी किस लिए यूज होता है, जॉब को पकड़ने के लिए या जॉब को मदद करने के लिए, सपोर्ट देने के लिए। इट इंक्लूड्स चक, सेंटर, डाइविंग प्लेट, फेस प्लेट, स्टेडीज जिसको स्टेडी रेस्ट कहते हैं, मैंडल, कैडियर एटसेट्रा। लेद चक, ये चक इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेसरी फॉर होल्डिंग एंड ड्राइविंग ए पीस ऑफ वर्क ऑन ए लेद। मतलब चक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेसरी होता है लेद मशीन का, जो जॉब को पकड़ता है और जॉब को ड्राइविंग करता है, मतलब जॉब को चलना करता है लेद मशीन पर। टाइप्स एंड यूजेस, तो किस टाइप का चक हम लोग यूज कर, मतलब टोटल कितने टाइप का चक होता है और कहाँ कहाँ पर यूज होता है। सबसे पहला यूनिवर्सल और सेल्फ सेंटरिंग चक या थ्री जॉ चक।
तो इसका इस्तेमाल होता है टू होल्ड ओनली रेगुलर शेप, मतलब रेगुलर शेप जॉब को पकड़ने के लिए, जैसे राउंड होता है, हेक्सागन होता है, तो ऐसा शेप जॉब अगर है तो उसको पकड़ने के लिए थ्रीजा चक, जिसको यूनिवर्सल चक या सेल्फ सेंटरिंग चक कहते हैं, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। सेकेंड, इनडिपेंडेंट चक, मतलब फोर जा चक। तो फोर जा चक हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, रेगुलर इरेगुलर इसेंट्रिक ऑपरेशन जब आपको करना है तो तब यूज होता है इनडिपेंडेंट चक या फोर्जा चक। तीसरा, टू होल्ड रेगुलर एंड इरेगुलर वर्क्स फॉर रिपीटेशन वर्क, मतलब जब रिपीटेशन वर्क करना पड़ेगा और जहाँ पे रेगुलर और इरेगुलर दोनों से जॉब को पकड़ना पड़ेगा, और पकड़ के जब रिपीटेशन वर्क मतलब एक ही काम बार बार करना पड़ेगा, तब कॉम्बिनेशन चक का इस्तेमाल होता है। कॉम्बिनेशन मतलब रेगुलर और इरेगुलर, मतलब थ्रीजा चक और फोर्जा चक का कॉम्बिनेशन में ये बनता है। चौथा, मैग्नेटिक चक। मैग्नेटिक मतलब ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि फेरस मेटल होना पड़ेगा जॉब, तभी उसको पकड़ पाएगा। तो टू होल्ड थिन फेरस मेटल जॉब लाइक वॉशर, मतलब वॉशर जैसा थिन पतले अगर फेरस जॉब है तब उसको मैग्नेटिक चक पकड़ सकते हैं। फिफ्थ नंबर, कॉलेट चक, टू होल्ड ओनली रेगुलर शेप्ड बार। रेगुलर शेप्ड बार जो होता है जैसे राउंड, स्क्वायर, हेक्सागन, प्रोडक्शन पर्पस के लिए, इसको पकड़ने के लिए कॉलेट चक यूज होता है। इसमें सिक्स्थ नंबर पर बोला है ड्राइविंग प्लेट। ड्राइविंग प्लेट कहाँ यूज होता है, टू होल्ड एंड ड्राइविंग द वर्कपीस इन बिटवीन सेंटर, जब दो सेंटर के बीच में जॉब को पकड़ना है और उसको रोटेट भी करना है, घुमा चलाना भी है जॉब को, तब ड्राइविंग प्लेट यूज होता है, और ड्राइविंग प्लेट में एक ड्राइविंग पिन भी रहता है। और लास्ट सेवन नंबर, फेस प्लेट। फेस प्लेट में हम लोग क्या कर सकते हैं, टू होल्ड द जॉब विच कैन नॉट बी हेल्ड इन एनी अदर चक। तो इसमें बोला है फेस प्लेट तब यूज होता है जब इतने सारा टोटल छः गो चक का बारे में मैं आपको डिस्कशन किया, इसमें अगर कोई भी जॉब को अगर हम लोग पकड़ नहीं पाएंगे तब यूज करना है फेस प्लेट का। तो फेस प्लेट में हम लोग स्पेशली एंगुलर जॉब का भी मैसनिंग कर सकते हैं या फेसिंग कर सकते हैं। तो इसमें ये थ्रीजा चक फोर जा चक कॉम्बिनेशन चक, कॉलेट चक, इसके बाद ड्राइविंग प्लेट, और ये होता है फेस प्लेट। ठीक है, समझ में आ गया, इसका डायग्राम भी मैं आपको दिखाया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 768, इंसर्टेड एचएसएस टूल बिट्स आर मोर यूजफुल फॉर द ऑपरेशन। इंसर्टेड एचएसएस टूल बिट कौन सा ऑपरेशन के लिए मैक्सिमम यूजफुल होते हैं या मैक्सिमम टाइम यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए बोरिंग करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी एक्सटर्नल थ्रेडिंग के लिए, ऑप्शन नंबर सी इंटरनल थ्रेडिंग के लिए, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो इंसर्टेड एचएसएस टूल बिट कैसा होता है, इसका भी डिटेल में डिस्कशन पहले मैं आप लोगों के साथ किया हूँ, फिर भी मैं आज आप लोगों को और एक बार बता देता हूँ क्योंकि एक छोटा सा टॉपिक है तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ। इसमें आप पढ़ सकते हैं इंसर्टेड बिट्स विथ होल्डर, सॉलिड एचएसएस टूल आर कॉस्टली, मतलब सॉलिड एचएसएस टूल्स क्या होता है, महंगा होता है, इसीलिए उसका जगह में क्या यूज होता है, दे आर समटाइम यूज्ड एज इंसर्टेड बिट, इसीलिए कभी कभी हम लोग उसका इंसर्टेड बिट का तौर पे भी यूज करते हैं। दिस बिट आर स्मॉल इन साइजेस, ये बिट बहुत ही छोटा होता है साइज में, एंड आर इंसर्टेड इन द होल ऑफ द टूल होल्डर, और इसको हम लोग टूल होल्डर का होल में फिट करते हैं, इंसर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मेमोरी कार्ड हम लोग फोन पर इंसर्ट करते हैं, वैसे ये भी एक सेम टू सेम वैसे छोटा सा पार्ट होता है जो हम लोग टूल होल्डर पर उसको फिट करते हैं। दिस होल्डर्स आर हेल्ड एंड क्लैम्प्ड इन द टूल पोस्ट टू कैरी आउट ऑपरेशन। तो ये जो टूल होल्डर होता है इसको हम लोग टूल पोस्ट पर लगाते हैं और उसको क्लैम्प करके ऑपरेशन करते हैं। तो इसका डिसएडवांटेजेस क्या होता है, द डिसएडवांटेजेस इन दिस टाइप ऑफ टूल इज दैट रिजिडिटी ऑफ द टूल इज पोर। तो इसका असुविधा क्या होता है, इसका दिक्कत होता है कि टूल का जो रिजिडिटी होता है मजबूत इसका कम होता है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा अगर बिग डायमीटर जॉब में अगर टर्निंग करने जाएंगे, कोई भी ऑपरेशन करने जाएंगे, तो आप देख सकते हैं ऐसा एक टूल होल्डर रहेगा, टूल होल्डर वो वैसे ही रहेगा, बट हम लोग क्या करेंगे, ओनली जो टूल बीट है, जैसे हम लोग फ़ोन पर मेमोरी कार्ड यूज़ करते हैं वैसे सेम टू सेम है। इसमें भी एक सोचो फ़ोन है, उसमें हम लोग मेमोरी कार्ड की जगह ऐसे टूल बीट हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं, इंसर्ट मतलब उसके अंदर डालना। ठीक है,
तो आप देख सकते हैं इसका एक ही इसमें क्या है, एक ही इसमें स्क्रू है, तो उसका रिजिडिटी कितना ज़्यादा होगा। ऐसे अगर सॉलिड टूल टोटल होता है HSS से अगर बनता है तो क्या होता है, महंगा ज़्यादा होता है। बट इसमें क्या होता है, टूल होल्डर डिफरेंट मटेरियल का होता है, हाई कार्बन स्टील हो सकता है सोचो। और इधर जो ओनली जो ये मेमोरी कार्ड है, या बोल सकते जो इसका इंसर्ट बीट है, यह जो छोटा सा बीट है, वो सिर्फ और सिर्फ हाई स्पीड स्टील से बनता है, HSS से बनता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आप लोग का प्राइस भी कम हो जाएगा, ठीक है, सस्ता में हो जाएगा, बट इसका रिजिडिटी पावर कम होता है। ओके, तो आप लोग जानते हैं HSS टूल बीट हम लोग बोरिंग, एक्सटर्नल थ्रेडिंग, इंटरनल थ्रेडिंग सभी के लिए कर सकते हैं, चाहे वो इंसर्टेड टूल बीट हो या चाहे वो सॉलिड HSS टूल बीट है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि हम लोग बोरिंग, एक्सटर्नल थ्रेडिंग, इंटरनल थ्रेडिंग हम लोग कर सकते हैं इंसर्टेड HSS टूल बीट से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 769 नंबर, व्हाट लिक्विड इज फिल्ड इन द कर्व ग्लास ट्यूब ऑफ स्प्रिट लेवल, स्प्रिट लेवल की घुमावदार कांच के नली में कौन सा द्रव भरा होता है। तो स्प्रिट लेवल इस टाइप का होता है, मैं आपको पहले भी इस सीरीज में बताया हूँ, और ये जो कांच का होता है इसको वायल कहते हैं। ठीक है, इसमें एक अलग से सेंटर पोर्शन में एक मार्क रहता है, और इसमें एक बबल भी हम लोग फील करते हैं, एयर उसमें डाल देते हैं, और इसमें जो लिक्विड रहता है वो तो इंडस्ट्रियल अल्कोहल रहता है, इंडस्ट्रियल अल्कोहल या आप लोग बोल सकते हैं स्प्रिट उसमें रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इसमें पेट्रोल बेंजिन डिस्टिल वाटर कुछ नहीं रहता, इंडस्ट्रियल अल्कोहल इसमें फील रहता है, या आप लोग बोल सकते हैं स्प्रिट रहता है। समझ में आ गया है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो स्प्रिट लेवल कैसा होता है, मैं आपको इसका डायग्राम दिखाता हूँ सबसे पहले। तो ऐसे आप देख सकते हैं, जैसे मैं आप लोगों को बताया हूँ, इसमें जो ग्रीन कलर का सेंटर पोर्शन में है उसमें एक बबल भी आप देख सकते हैं बीच में, और उसमें जो ग्रीन कलर का जो लिक्विड है वो इंडस्ट्रियल अल्कोहल स्प्रिट है। ओके, तो इसको हम लोग कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, जब आपको कोई भी अलाइनमेंट का ज़रूरत पड़ेगा, कोई भी आप लोग उसका हॉराइजेंटल का टोटली मतलब वो हॉराइजेंटल है कि नहीं, उसको आपको जब सेट करना पड़ेगा कोई भी चीज़ में, तो आपको स्प्रिट लेवल का इस्तेमाल करना है चेक करने के लिए। ओके, लेवल को चेक करने के लिए, लेबलिंग करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 770, द फॉलोइंग टाइप ऑफ जिग इज यूज्ड टू ड्रिल ए सीरीज ऑफ इक्विडिस्टेंस होल अलोंग ए सर्किल। इसमें बोला है निम्नलिखित में से किस प्रकार के जिग का उपयोग वृत्त के साथ सम दूरस्थ छेद की एक श्रृंखला को ड्रिल करने के लिए किया जाता है। तो इसमें एक्चुअली बोला है कोई भी एक वर्कपीस है, ओके, तो उसका सर्किल बराबर अगर इक्वल डिस्टेंस में अगर आपको ड्रिलिंग करना पड़ेगा तो कौन सा जिग इस्तेमाल करना है। तो सोचो एक कोई भी वर्कपीस है सर्किल टाइप, तो उसका इक्वल डिस्टेंस में आपको टोटल कितना होल बनाना है, सोचो इसमें टोटल आपको 10 होल बनाना है, सबका बीच में अगर इक्वल आपको होल बनाना है, डिस्टेंस अगर आपको इक्वल रखना है, अगर उसका डिस्टेंस सेम रखना है, तो आपको किस जिग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इंडेक्स जिग, प्लेट टाइप जिग, ओपन टाइप जिग, पॉट टाइप जिग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडेक्स जिग का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इंडेक्स जिग कैसा होता है ये भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि जिग के बारे में तो आपको पता है कि ये यूज होता है, एक होता है ड्रिलिंग जिग, या और दूसरा आप लोग ड्रिलिंग, रिमिंग इन सब पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, और जिग बोरिंग के लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और जिग फिक्सर क्या होता है ये भी मैं आप लोगों को पहले बहुत बार बताया हूँ, एक कॉमन क्वेश्चन है। तो अभी मैं आपको इंडेक्स जिग के बारे में इसका डायग्राम दिखाऊंगा और इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। इंडेक्सिंग जिग मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इंडेक्सिंग जिग्स आर यूज टू एक्यूरेटली स्पेस होल ऑन अदर मशीन एरिया अराउंड ए पार्ट। तो इंडेक्सिंग मतलब क्या होता है, कोई भी एक पार्ट आपको दिया जाएगा उसमें इक्वल डिस्टेंस पर अगर आपको कोई भी चीज़ बनाने देता है या कटने देता है तो वो होता है इंडेक्सिंग करना, मतलब इक्वल डिस्टेंस में आपको वो ऑपरेशन को करना है। तो इसमें अगर आपको होल बनाना है, सब होल इक्वल डिस्टेंस पर होना चाहिए, इधर से इधर अगर 5 मिलीमीटर होता है तो इधर से इधर 5, इधर से इधर 5, इधर से इधर 5, इधर से इधर 5 मिलीमीटर होगा। ओके, तो इसमें आप पढ़ सकते इंडेक्सिंग जिग्स आर यूज्ड एक्यूरेटली स्पेस होल। तो इसमें जब आपको कोई भी वर्कपीस है उस वर्कपीस पर एक्यूरेटली स्पेस होल बनाना है तब इंडेक्सिंग जिग का इस्तेमाल करना है। और द जिग यूजेस द पार्ट बींग मशीन ऑन ए रेफरेंस प्लेट, ए स्प्रिंग लोडेड प्लंजर इंडेक्सेस द पार्ट। इसमें एक स्प्रिंग लोडेड प्लंजर रहता है जो पार्ट को इंडेक्स करते हैं, मतलब इक्वल डिस्टेंस पर वो रखते हैं, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पर वो डिवाइड करते हैं। ये स्प्रिंग लोडेड प्लंजर है, वो कैसे काम करते हैं, वो क्या होता है, सोचो
ऊपर से देखो ड्रिलिंग हो रहा है, इस जगह में ड्रिलिंग कर रहा है, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे घुमाना पड़ेगा, ये तब ये लीवर क्या होगा पीछे हट जाएगा क्योंकि ये लॉक करके रखेगा। तो इधर क्या करेंगे, इसको सबसे पहले खोलना पड़ेगा और ये जगह जब ड्रिलिंग हो जाएगा तो ये जगह करना पड़ेगा, तो इसको थोड़ा सा ऐसे रोटेट करना है। तो फिर ये क्या होगा, मैं आपको इसका इरेज करके बताता हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिए। तो ये वाला जगह इधर आ जाएगा, ठीक है। फिर ये क्या होगा, ये लॉक कर देगा, इसका बाद ऊपर से फिर हम लोग ड्रिलिंग कर देंगे, ओके। तो फिर आपको क्या करना है, ये जो स्प्रिंग लोडेड प्लंजर है फिर इसको डीएक्टिवेट करना है, मतलब पीछे खींचना है, और क्या हो जाएगा फिर ये वाला पार्ट क्या होगा इधर आ जाएगा, और फिर इधर क्या होगा ये लॉक हो जाएगा और इधर से ड्रिलिंग होगा। तो ये तो मैं आपको जस्ट नॉर्मली बताया हूँ, अभी मैं इसका एक वीडियो दिखाता हूँ। वीडियो में आप और भी अच्छा से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इंडेक्स प्लेट है, इंडेक्स प्लेट पर ही टोटल डिविएशन इसमें किया हुआ रहता है, ठीक है। तो इंडेक्स प्लेट का सामने वर्कपीस है जिसके ऊपर ड्रिलिंग हो रहा है, आप देख सकते हैं। और ड्रिलिंग ड्रिल किसका अंदर से जा रहा है, ड्रिल बुश का अंदर से जा रहा है। ड्रिल बुश किसका काम करता है, ड्रिल बुश ड्रिल को आप सही जगह में ड्रिल करने के लिए वो गाइड करता है। इसके बाद आप देखिए जो स्प्रिंग लोडेड प्लंजर पीछे हट गया और इंडेक्स प्लेट पर जो डिविजन किया हुआ है उसका हिसाब से वो फिर से उसको हम लोग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जरूरत पड़ने पर घुमा सकते हैं। इसके बाद स्प्रिंग लोडेड लीवर को आपको छोड़ देना है, तो जब भी छोड़ेंगे वो लॉक हो जाएगा। फिर से आप देखिए ड्रिल धीरे धीरे ड्रिल बुश का अंदर से आएगा और जो इंडेक्स प्लेट का सामने वर्कपीस लगे हैं उसमें वो ड्रिल कर रहे हैं। और इसमें जो आप देखिए जो आप लोगों का वर्कपीस पर ड्रिलिंग करेगा तो सब इक्वल डिस्टेंस होगा। फिर से आप देखिए ड्रिलिंग ड्रिल धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, फिर वो स्प्रिंग लोडेड वो प्लंजर क्या होगा पीछे हटेगा, फिर इंडेक्स प्लेट अपने पोजिशन पर आएगा और फिर से अब देखिए वर्कपीस भी उसका साथ इंडेक्स प्लेट का साथ धीरे धीरे रोटेट हो रहा है और उसमें भी इक्वल डिस्टेंस पर होल बनेगा। तो इंडेक्स प्लेट का अनुसार वर्कपीस पर भी होल बनता है। इंडेक्सिंग जिग में इंडेक्सिंग प्लेट मेन होता है, उसका अनुसार वर्कपीस का जो भी साइज है उस साइज में इक्वल डिस्टेंस पर होल बनाएगा। और किसका अनुसार बनाएगा, इंडेक्स प्लेट पर होल का अनुसार बनाएगा। समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 771 नंबर, द जिग एंड फिक्सर कैन बी कंस्ट्रक्टेड थ्रू। जिग और फिक्सर का निर्माण डैश के माध्यम से किया जा सकता है। तो जिग और फिक्सर हम लोग कैसे बनाते हैं, तो हम लोग कास्टिंग करके भी बना सकते हैं, फेब्रिकेशन भी कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग वेल्डिंग भी करते हैं, ठीक है। तो इन तीनों प्रोसेस ही हम लोग करते हैं, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो जिग और फिक्सर एक प्रिसिशन इक्विपमेंट होता है जो मास प्रोडक्शन पर्पस के लिए यूज होता है, जिसको हम लोग कास्टिंग करके उसके बाद फेब्रिकेशन उसके बाद वेल्डिंग करके भी हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 772, द साइज ऑफ द सेंटर ड्रिल इज सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द। सेंटर ड्रिल का आकार डैश के आधार पर चुना जाता है, तो सेंटर ड्रिल का साइज किसका बेसिस पे सिलेक्शन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए लेंथ ऑफ द वर्कपीस, वर्कपीस का लंबाई के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी मटेरियल ऑफ द वर्कपीस, वर्कपीस का मटेरियल का अनुसार। ऑप्शन नंबर सी डायमीटर ऑफ द वर्कपीस, वर्कपीस का डायमीटर मतलब व्यास का अनुसार। ऑप्शन नंबर डी ऑपरेशन टू बी परफॉर्म ऑन द वर्कपीस, मतलब वर्कपीस पर किस ऑपरेशन आपको करना पड़ेगा उसका बेसिस पर आपको सेंटर ड्रिल का साइज को सिलेक्शन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डायमीटर ऑफ द वर्कपीस, वर्कपीस पर वर्कपीस का डायमीटर कितना है उसका बेसिस पे सेंटर ड्रिल का साइज सिलेक्शन करना है। सोचो वर्कपीस का डाया है 100 मिलीमीटर, और थोड़ा सा अगर छोटा सा अगर आप लोग उसमें सेंटर ड्रिल करके होल बनाते तो वो आप लोग के लिए तो सही नहीं होगा। जैसे बड़ा डायमीटर जॉब होगा तो उसका सेंटर ड्रिल का साइज भी बड़ा होना चाहिए, ओके। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डायमीटर ऑफ द वर्कपीस। तो जो वर्कपीस पर आप लोग ड्रिलिंग करने जा रहे हैं उसका डायमीटर का हिसाब से सेंटर ड्रिल का भी साइज डिपेंड करता है, ओके। तो सेंटर ड्रिल हम लोग एक्चुअली क्यों करते हैं, देखो एक्चुअली ड्रिल को प्रॉपर करने के लिए तो जो वर्कपीस होता है उसमें सेंटर पोर्शन में सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा होल बना लेते हैं, उसका बाद आप लोग बिग ड्रिल का भी यूज करते हैं, तो क्या होगा वो एक्चुअली कॉन्सेंट्रिक रहेगा, वो आउट ऑफ सेंटर नहीं जाएगा। आउट ऑफ सेंटर जाने से बचाने के लिए रोकने के लिए हम लोग सेंटर ड्रिल सबसे पहले कर देते हैं, उसका पोजीशन को पता लगा देते हैं, ओके। तो सेंटर ड्रिल के बारे में 2-3 पॉइंट आपको बताना है, तो डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। मेथड्स ऑफ सेंटर ड्रिलिंग, सेंटर ड्रिलिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं, सेंटर ड्रिलिंग कैन बी डन ऑन ए, सेंटर ड्रिलिंग कहाँ कहाँ पे किया जा सकता है, ड्रिलिंग मशीन पर किया जा सकता है, लेद मशीन से भी हम लोग
सेंटर ड्रिल कर सकते हैं, और सेंटरिंग मशीन अलग से जो होता है इसे भी हम लोग सेंटर ड्रिल का यूज़ कर सकते हैं। तो इन तीनों मशीन में हम लोग सेंटर ड्रिल इस्तेमाल करके हम लोग सेंटर होल बना सकते हैं। द सिलेक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर मेथड ऑफ सेंटरिंग डिपेंड्स ऑन द साइज एंड शेप ऑफ द कंपोनेंट। तो सेंटरिंग का साइज डिपेंड करता है कि कंपोनेंट का साइज और शेप का अनुसार, मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि उसका डायमीटर का अनुसार। ड्रिल चक इज यूज टू होल्ड द सेंटर ड्रिल, सेंटर ड्रिल को पकड़ने के लिए ड्रिल चक यूज होता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं सेंटर ड्रिल को हम लोग कहाँ पे पकड़वाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ड्रिल चक पर। समटाइम्स स्पेशल होल्डर्स एंड कलेक्ट्स आर यूज, कभी कभी स्पेशल होल्डर कलेक्ट भी यूज होता है। इन मास प्रोडक्शन रॉ मटेरियल एंड्स आर सेंटर्ड यूजिंग ए सेंटर ड्रिलिंग मशीन। मास प्रोडक्शन में जल्दी जल्दी करना, इसीलिए सेंटर ड्रिलिंग मशीन में हम लोग जल्दी जल्दी करने के लिए जल्दी जल्दी करते हैं, जो भी रॉ मटेरियल होता है उसका एंड पर सेंटरिंग करते हैं। ठीक है, तो जब मास प्रोडक्शन में आपको रॉ मटेरियल का एंड पर आपको सेंटर होल बनाना पड़ेगा, तो कौन सा सेंटर ड्रिलिंग मशीन, कौन सा मशीन आप लोग यूज़ करके सेंटर ड्रिलिंग करेंगे, तो सेंटर ड्रिलिंग मशीन खुद स्वयं उसको यूज़ करना है। ठीक है, तो सेंटर ड्रिलिंग मशीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा मास प्रोडक्शन के लिए। ओके, इसका बाद व्हाइल सेंटर ड्रिलिंग रिमेंबर द फॉलोइंग। सेंटर ड्रिलिंग करते टाइम कुछ बात आपको याद रखना चाहिए। चूज द राइट साइज एंड टाइप ऑफ सेंटर ड्रिल अकॉर्डिंग टू द डायमीटर ऑफ द वर्क। तो इसमें बताया जा रहा है कि सेंटर ड्रिल का साइज और किस टाइप का आप लोग ड्रिल यूज कर रहे हैं, जैसे ए बी या आर, तो ये किसका ऊपर डिपेंड करता है, डायमीटर ऑफ द वर्क पीस। मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि सेंटर ड्रिल का साइज डिपेंड करता है डायमीटर ऑफ द वर्क पीस, और किस टाइप का आपको यूज करना है सेंटर ड्रिल ए बी या आर, तो वो भी डिपेंड करता है उसका हिसाब से आपको वर्क, मतलब उसका बेसिस पे आपको, मतलब वो सब किसका बेसिस पे सिलेक्शन करना चाहिए, वर्क पीस का डायमीटर के हिसाब से सिलेक्शन करना चाहिए। ओके, सिलेक्ट द रिकमेंडेड कटिंग स्पीड एंड कैलकुलेट द स्पिंडल आरपीएम टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द स्मॉल प्लेन ड्रिलिंग डायमीटर ऑफ द सेंटर ड्रिल। तो ये आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट था मैं आपको बता दिया हूँ कि सेंटर ड्रिल का टाइप कौन सा टाइप आप लोग लेने वाला है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, वर्कपीस का डायमीटर के ऊपर, और सेंटर ड्रिल का साइज किसके ऊपर डिपेंड करता है, वर्कपीस का डायमीटर का ऊपर। समझ में आ गया पूरा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 773, वन एटमोस्फियरिक प्रेशर इज इक्वल टू। तो वन एटमोस्फियरिक प्रेशर या वायुमंडलीय दबाव डैश के बराबर होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, ऑप्शन नंबर बी 56 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, ऑप्शन नंबर सी 60 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, ऑप्शन नंबर डी 70 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। चार ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन URSC का पेपर में पूछा गया है, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम स्टूडेंट इसका वैल्यू जानता है 760, तो 760 मिलीमीटर पर होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। एग्जामिनेशन देखिए आने का बाद आप लोग बोल रहे थे सर ऑप्शन में 760 नहीं था, तो 76 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ही होता है 760 मिलीमीटर, दोनों सेम है। ऑफ एच जी किसका सिंबल होता है, मरकरी का सिंबल होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 774, कन्वर्ट पाई बाई फोर रेडियन इंटू डिग्री। रेडियन का सिंबल क्या होता है, सी होता है। ओके, देखो टेक्निकल एग्जाम में नॉट ओनली टेक्निकल क्वेश्चन, उसका साथ आप लोग का वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बाद मैथ से भी एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कॉमन क्वेश्चन है, इसलिए इन सब क्वेश्चन को कलेक्शन करके रखना है 2000 MCQ का सीरीज में, इसीलिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें लगा है सबको मैं इसमें ऐड करूँगा। बोला है पाई बाई फोर रेडियन इज इक्वल टू कितना डिग्री होता है, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री होता है, तो पाई बाई फोर रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिवाइड बाई फोर हो जाएगा, तो इसको कटेंगे तो आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम जगह में पाई बाई थ्री का वैल्यू आपको पूछते हैं, तो पाई बाई थ्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180/3, तब हो जाएगा 60 डिग्री। समझ में आ गया, तो रेडियन का सिंबल होता है सी, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री, इसको याद रखना है। बाकी आप लोगों को पाई बाई फोर, पाई बाई टू, पाई बाई थ्री, पाई बाई एट जो भी है, जस्ट 180 को भी सेम उसी से डिवाइड कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 775, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट कपलिंग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन
जुगनॉन के बारे में सत्ता नहीं है। तो कपलिंग रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा उसको मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, क्योंकि ये आप लोगों का गलती है। अभी तक आप लोग वीडियो को नहीं देखा, जब आप लोगों के लिए एकदम कंटेंट, एकदम प्योर कंटेंट मैं आप लोगों के लिए बना दिया हूं कि इतना अच्छा कंटेंट आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। कपलिंग रिलेटेड जितना भी टॉपिक होता है दो वीडियो में मैं आपको कंप्लीट कर दिया हूं। तो कपलिंग का वीडियो आपको मिल जाएगा, मेरा यूट्यूब चैनल से आप लोग देख लीजिए जरूर। तो कपलिंग रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा, और क्लच का रिलेटेड भी क्वेश्चन धीरे धीरे मैं डालूंगा। तो क्लच का जब क्वेश्चन डालूंगा क्लच का कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूंगा। ओके, क्लच का कॉन्सेप्ट क्लियर करना बाकी है, इसका बाद हॉर्निंग का भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना बाकी है। तो इन सब चीज़ मेरा दिमाग में है जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाता है, तो इन दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, इसीलिए उस दोनों को हम बचा के रखे हैं कि जब शुरू करेंगे तो उसको हम सबसे पहले क्वेश्चन पर डालेंगे और पूरा चीज़ को अच्छा से आप लोग को समझाएंगे। ओके, तो कपलिंग का बारे में कौन सा कथन सही नहीं होता? इट कनेक्ट्स टू शाफ्ट, टू इनलाइन शाफ्ट, मतलब दो एक ही लाइन में शाफ्ट को कनेक्ट करता है, एक लाइन शाफ्ट कनेक्ट करता है। ऑप्शन नंबर बी, इट कैन बी रिजिड और फ्लेक्सिबल, कपलिंग रिजिड कपलिंग भी होता है, फ्लेक्सिबल कपलिंग भी होता है। ऑप्शन नंबर सी, इट ड्राइव्स, ड्राइविंग एंड ड्रिवन शाफ्ट आर एट सेम स्पीड, मतलब इसमें ड्राइविंग शाफ्ट और ड्रिवन शाफ्ट दोनों एक ही स्पीड में चलता है, ये भी सही है। इट कैन एंगेज एंड डिसएंगेज ड्राइविंग एंड ड्रिवन शाफ्ट एज ए नॉर्मल ऑपरेशन, मतलब बोला है कि नॉर्मल ऑपरेशन करते रहे ड्राइविंग और ड्रिवन शाफ्ट को, हम लोग कभी भी उसको हम लोग एंगेज डिसएंगेज कर सकते हैं। तो चार ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आप लोग आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में जो सेंटेंस दिया है कि हम लोग नॉर्मल ऑपरेशन करते टाइम ड्रिवन और ड्राइवर शाफ्ट को कभी भी एंगेज कभी भी डिसएंगेज कर सकते, तो ये गलत है। हम लोग कपलिंग में कभी भी उसको एंगेज डिसएंगेज नहीं कर सकते हैं, बट ओनली एक कपलिंग है जो स्लिप टाइप कपलिंग है या सेफ्टी कपलिंग है, जिसका बारे में भी मैं आप लोगों को बताया था, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ डिसएंगेज और एंगेज होता है, ठीक है। तो अगर क्लच का बात करते हैं तो क्लच में कभी भी आप लोग एंगेज डिसएंगेज कर सकते हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो ये कथन सही नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 776, Which one of the following statement is not true about cross belt drive? Cross belt drive का बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो cross belt drive, तो ये सब क्वेश्चन ट्रांसमिशन ऑफ पावर या पावर ट्रांसमिशन चैप्टर का क्वेश्चन है। अगर आप लोग इसका डिटेल थ्योरी क्लियर करना चाहते हैं तो 2000 MCQ तो आपको देखना पड़ेगा, और पावर ट्रांसमिशन चैप्टर का दो वीडियो में अलग से प्रोवाइड किया हूँ, तो उसमें मैं आपको टोटल चीज़ कंप्लीट किया हूँ। ओके, क्रॉस बेल्ट ड्राइव में क्या होता है, जो ड्राइवर होता है, ड्राइवर पुली और ड्रिवन पुली जो होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमता है, और बेल्ट भी क्रॉस लगा रहता है। ये अगर क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है, समझ में आ गया है। तो इसका बारे में कौन सा कथन गलत है? पुली रोटेट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये तो बिल्कुल सही है। बेल्ट एंगल ऑन द बोथ द पुली इज इक्वल, मतलब दोनों पुली का बेल्ट एंगल सेम होता है। ऑप्शन नंबर सी, बेल्ट वेयर वेरी फास्ट, बेल्ट बहुत जल्दी खराब हो जाता है। यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ स्पीड एट हाई पावर, मतलब हाई पावर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोड को हम लोग स्पीड में भी ट्रांसमिशन कर सकते हैं। तो चौथा ऑप्शन जो डी ऑप्शन है वो गलत है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को जानना चाहिए जब हम लोग ओपन बेल्ट ड्राइव करते हैं उसमें हम लोग हाई पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं स्पीड में भी, बट जो क्रॉस बेल्ट ड्राइव होता है उसमें ऐसे बेल्ट खराब हो जाते हैं, क्योंकि उन दोनों का पुली का एंगल तो सेम होता है, ठीक है, बट इसमें क्या होता है, एक साइड में घूम रहा है, मतलब ये जिस ड्राइवर पुली जिस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, मतलब आप लोग जानते हैं कि इसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि एक हम लोग इधर जाने का कोशिश करते हैं, फ्रिक्शन फोर्स उसका ऑपोजिट में आता है, तो इसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, तो फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज ऑपोजिट काम करता है। तो इसमें भी देखिए बेल्ट में खराब हो सकती है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन पर अगर घूमता तो अलग होता, एक में पॉजिटिव क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसमें बेल्ट खराब होता है जल्दी जल्दी, और इसके लिए क्या होता है, हाई पावर को आप लोग स्पीड में ट्रांसमिट नहीं कर सकते, गति में नहीं ट्रांसमिट कर सकते। तो ऑप्शन नंबर डी ये जो कथन है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 777, टू हेलिकल गियर्स ऑफ द सेम हैंड एंड ए 45 डिग्री हेलिक्स एंगल आर इन मेस, द शाफ्ट ऑफ द टू गियर्स वुड बी एट फॉलोइंग एंगल टू ईच, इसमें आपको बताया जा रहा है दो हेलिकल गियर
एक ही तरफ है और उन दोनों में 45 डिग्री हेलिक्स एंगल है। तो एक हेलिकल गियर ऐसे है, हेलिकल गियर क्या होता है, जो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है उसका थोड़ा सा एंगल में टीथ कटे रहते हैं। तो इसमें एंगल भी बताया कि 45 डिग्री एंगल में टीथ कटे हैं, और इसका साथ जो मैच कर रहे हैं, इसका साथ जो और दूसरा गियर मैच कर रहा है उसका भी 45 डिग्री एंगल पर 45 डिग्री एंगल है। तो दोनों शाफ्ट का बीच में कितना एंगल बनेगा, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री। तो कैसे बनेगा, तो ये तो आप लोग क्वेश्चन करेंगे कि हाँ सर कैसे बनेगा, 45 डिग्री तो रहना चाहिए, तो मैं आपको ड्राइंग दिखा के समझाता हूँ। तो आप इसमें देख सकते दो हेलिकल गियर है, इसमें भी हम मान लेते कि 45 डिग्री और 45 डिग्री में इसमें टीथ कटे हैं, दोनों हेलिकल गियर इसमें मैच किए हैं, ओके। और इसमें देखिए ये जो एंगल एक्चुअली बन रहा है कैसे बन रहा है, मैं आपको बताता हूँ, इसको एडिट करना पड़ेगा तो थोड़ा सा स्क्रीन घूम जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें जो आपका एंगल जो बन रहा है, ये जो एंगल है और ये जो एंगल आप लोग का बन रहा है, ये कितना बन रहा है, ये 90 डिग्री बन रहा है। आप लोग इसको अच्छा से देख सकते हैं कि ये आप देखिए टीथ इस साइड जा रहा है और ये टीथ इस साइड जा रहा है, तो ये अगर एंगल आप लोग देखेंगे तो 90 डिग्री होता है। समझ में आ गया इसका कॉन्सेप्ट। तो दोनों शाफ्ट कितना डिग्री एंगल पर रहेगा, जब दोनों 45 डिग्री हेलिकल गियर एक दूसरे का साथ मैच होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री, ओके। क्लास का शुरुआत में मैं आपको बताया था कि आज का क्लास का क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होगा, आप लोगों को पढ़ने में भी बहुत मजा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 778, टू इक्वल फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एक्ट एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, द रिजल्टेंट इज इक्वल टू। एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैक्सिमम एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स आपको निकालना है। जैसे अगर बात करते हैं, मैंने जब एग्जामिनेशन दिया था सेल राउरकेला में, तभी भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, यूआरएससी का पेपर में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका फॉर्मूला एक्चुअली होता है रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू होता है रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा, ठीक है। तो इसमें दो इक्वल फोर्स है, तो एक फोर्स P है दूसरा फोर्स Q है, तो इसमें दोनों फोर्स बोला है 10 न्यूटन, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, रूट देना पड़ेगा, तो 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, इसका बाद 2PQ, तो P का भी वैल्यू 10 और Q का भी वैल्यू 10, और इधर cos थीटा मतलब इधर एंगल भी आपको दिया है 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। तो इधर क्या हो जाएगा, ए वाला जो पार्ट है टोटल 0 हो जाएगा, बट इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आप देखिए 10 स्क्वायर मतलब 100 और इधर भी 10 स्क्वायर मतलब 100, तो टोटल रूट ओवर 200 हो जाएगा। तो इधर आप कैसे कर पाएंगे, 2 × 10 × 10 करेंगे, रूट देंगे, तो इधर से क्या निकल के आएगा, 10 निकल के आएगा, तो रूट 2 ऐसे रहेगा, तो 10√2 न्यूटन इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो रिजल्टेंट फोर्स या इक्विवेलेंट फोर्स क्या हो जाएगा, 10√2 न्यूटन हो जाएगा, और फोर्स का यूनिट ऑलवेज न्यूटन होता है एसआई सिस्टम में, और अगर सीजीएस सिस्टम में बात करते हैं तो ये होता है तो डाइन होता है, ठीक है। तो सीजीएस में डाइन होता है और एमकेएस या एसआई सिस्टम में न्यूटन होता है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना डाइन, ये भी पूछा जाता है, 10⁵ डाइन होता है, ये भी चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। तो एक बार मेरा बात मिस्टेक हो के केजीएफ निकाल गया, क्योंकि इतना फेमस मूवी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता है, और आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स पर बताना कि क्लास आपको कैसा लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 779, फाइंड द एरिया ऑफ एन इलिप्स इफ द मेजर एंड माइनर एक्सिस ऑफ एन इलिप्स इज 10 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो इलिप्स का एरिया मतलब क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा। तो इलिप्स कैसा होता है, इस टाइप का इलिप्स होता है, ठीक है। तो इसमें ये जो एक्सिस होता है, ए एक्सिस होता है मेजर एक्सिस, और ए वाला जो एक्सिस होता है माइनर एक्सिस, ओके। तो इसमें मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस में आपको क्या वैल्यू दिया है, मेजर एक्सिस मतलब टोटल इधर से इधर तक 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, और इधर से इधर तक कितना है, 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है पाई इंटू ए इंटू बी, ठीक है। तो ए क्या होता है, ए होता है इधर वाला, मतलब इधर से इधर तक जो होता है ये होता है ए, और इधर से इधर जो होता है ये होता है बी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पाई लिखना है, और ये क्या हो जाएगा, जो 10 था 10/2 हो जाएगा, इंटू बी था 6/2, तो इधर 3 हो जाएगा, इधर 5 हो जाएगा, तो एक्चुअली 15 पाई हो जाएगा।
तो इलिप्स का एरिया हो जाएगा 15 पाई। समझ में आ गया है? तो ए होता है इलिप्स, इलिप्स का एरिया निकालने का फॉर्मूला और प्रोसीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 780। तो मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि टेक्निकल में वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस से तो क्वेश्चन पूछता है, तो जो क्वेश्चन रेगुलर पूछे जाता है उसका भी कलेक्शन करके आप लोगों के लिए लेके आना है, क्योंकि ये फिर से अगर पूछे जाएगा तो मैक्सिमम स्टूडेंट इसका आंसर नहीं बता पाएंगे, तो इसीलिए मैं इस सीरीज में आप लोगों के लिए डाला हूँ इस क्वेश्चन को भी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज द रेशियो ऑफ, फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसका अनुपात होता है? यील्ड स्ट्रेस डिवाइड बाय वर्किंग स्ट्रेस, ऑप्शन नंबर बी टेंसाइल स्ट्रेस डिवाइड बाय वर्किंग स्ट्रेस, ऑप्शन नंबर सी बियरिंग स्ट्रेस डिवाइड बाय वर्किंग स्ट्रेस, ऑप्शन नंबर डी बियरिंग स्ट्रेस डिवाइड बाय यील्ड स्ट्रेस। तो आप लोग आंसर दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यील्ड स्ट्रेस डिवाइड बाय वर्किंग स्ट्रेस। ठीक है, तो इसमें यील्ड स्ट्रेस का जगह कभी कभी अल्टीमेट स्ट्रेस भी दिया रहता है, मतलब अल्टीमेट मतलब एकदम जो लास्ट जो उसका स्ट्रेस होता है, तो मैक्सिमम जो स्ट्रेस होता है डिवाइड बाय जो काम करते जो स्ट्रेस पर उसका रेशियो का हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहते हैं। तो इसका अगर आपको डिटेल वीडियो देखना है और साइंस रिलेटेड इसका टॉपिक टोटल क्लियर करना है, तो मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि आप लोग नेमी वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस का PDF डाउनलोड कर लीजिए, उसमें 2 ईयर का PDF आप लोग अच्छा से कंप्लीट कीजिए, कोई भी एग्जाम में चले जाए टेक्निकल का उसमें उसी से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। और इन दोनों ईयर का क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन भी मैं YouTube पर बना के अपलोड किया हूँ, ऑलमोस्ट 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट देख लिए हैं, बहुत सारा स्टूडेंट हमें प्यार दिया है इस सीरीज को बनाने के लिए, क्योंकि आप लोग का रिक्वेस्ट था वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस का भी एक प्लेलिस्ट बना दीजिए, उसमें एक कंप्लीट प्रिपेरेशन करवा दीजिए। तो दो वीडियो में, एक वीडियो 3.5 घंटा, दूसरा वीडियो 4.5 घंटा, तो आप लोग देख लीजिए, टोटल 8 घंटे का वीडियो है आप लोग का, वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस से कोई भी दिक्कत नहीं रहेगा। ओके, और मैं आप लोग को फिर से बताना चाहता हूँ कि 2000 MCQ सीरीज तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा हिट होने वाला है, ऑलरेडी हो गया, जितने भी स्टूडेंट ने अच्छा से वीडियो को देखा, एक वीडियो भी देखा है तो मेरा बिल्कुल भी फैन बन गया है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कितना अच्छा इसमें कॉन्टेंट आपको मिलता है, कितना आपको टॉपिक में आप लोग को क्लियर करता हूँ। ठीक है, तो रेगुलर इस वीडियो को 4 से 4.5 हज़ार स्टूडेंट देखता है, जितना भी वीडियो मैंने डाला हूँ 4 से 4.5 हज़ार कमून स्टूडेंट देखा है, मतलब वो सब स्टूडेंट वीडियो को पसंद कर रहे हैं, 1-2 स्टूडेंट नहीं है, 4 से 4.5 हज़ार स्टूडेंट है हमें पसंद करते हैं, वीडियो को देखते हैं और इंतज़ार करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो कब आएगा। तो मैं आप लोगों को ज़रूर बोलूँगा कि आप लोग टेस्ट सीरीज को भी अटेम्प्ट कीजिए, आप लोगों को टेस्ट सीरीज और भी अच्छा लगेगा, टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन एकदम सिलेक्टेड है, ये जो देख रहे हैं कुछ क्वेश्चन इसका साथ मैच होगा, बट मैक्सिमम जो लास्ट के और टेस्ट सीरीज मतलब 10 नंबर से शुरू करके अगर देखेंगे तो टोटली डिफरेंट क्वेश्चन रहेगा, उसमें से पीटर टनल मशीनिस्ट वेल्डर ग्राइंडर के लिए बहुत ही अच्छे से मैं टोटल सिलेबस को कवर किया हूँ, और नॉन टेक का क्वेश्चन सबसे अच्छा है, उसमें स्टैंडर्ड नॉन टेक्निकल का क्वेश्चन भी मैं उसमें डाल के रखा हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 781, एनोडाइजिंग इज, एनोडाइजिंग प्रोसेस क्या है? तो इतना दिन से आप लोग एनोडाइजिंग प्रोसेस का MCQ याद करके आ रहे थे, बट इसका फैक्ट आपको समझ में नहीं आता था, कैसे एनोडाइजिंग हम लोग करते हैं मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले भी 2000 MCQ का सीरीज में मैं आपको सेरेडाइजिंग का बारे में, गैल्वानाइजिंग का बारे में, क्रोमाइजिंग का बारे में, कैलोडाइजिंग का बारे में, हर चीज़ का बारे में डिटेल में उसका प्रोसेस मैं आपको बताया हूँ। आज मैं एनोडाइजिंग का बारे में डिटेल में डिस्कशन करूँगा, जो आप लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसका फैक्ट भी आपको समझ में आएगा और हमेशा के लिए आपको इसका टॉपिक क्लियर हो जाएगा, आपको कोई भी क्वेश्चन याद रखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ओके, तो एनोडाइजिंग प्रोसेस क्या होता है मैं अभी आपको एक डायग्राम दिखा के समझाता हूँ। एनोडाइजिंग प्रोसेस, ये प्रोसेस एनोड की ऊपर की जाती है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है एनोडाइजिंग प्रोसेस। तो इसमें एनोड मतलब होता है वर्कपीस, ठीक है, तो इसमें जो एनोडाइजिंग प्रोसेस हम लोग करते हैं वर्कपीस मैक्सिमम टाइम एल्यूमिनियम का होता है। ओके, तो ये जो प्रोसेस या ये जो प्रोडक्ट है वो एनोड के ऊपर तैयार करते हैं, इसीलिए इसका नाम एनोडाइजिंग प्रोसेस है। मतलब ये जो प्रोडक्ट आप लोग का होता है लास्ट में जो प्रोडक्ट बनता है तो वो एनोड के ऊपर की जाती है, मतलब इधर जो वर्कपीस है वो एनोड हम लोग उसको मानेंगे
और उसका ऊपर हम लोग ये प्रोसेस करेंगे। ओके, तो इसीलिए इस प्रोसेस का नाम दिया गया है एनोडाइजिंग प्रोसेस। ठीक है, तो आपको फिर से मैं आपको बताता हूँ, इसमें वर्कपीस को एनोड का रूप में हम लोग मानेंगे। तो वर्कपीस एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम का ऊपर हम लोग ऑक्साइड का लेयर इसमें बनाते हैं। ठीक है, और एल्यूमिनियम का ऊपर हम लोग पूरा प्रोसेस करते हैं जो एक एनोड है, इसीलिए इस प्रोसेस का नाम है एनोडाइजिंग, मतलब एनोडाइजिंग के ऊपर हम लोग ये प्रोसेस कर रहे हैं। ओके, तो इसमें सबसे पहले आपको एनोडाइजिंग एक टैंक लेना पड़ेगा। ओके, इसमें ये जो वर्कपीस है, ये वाला वर्कपीस एल्यूमिनियम के है। ओके, इसको हम लोग एनोड के रूप में मानेंगे, और ये जो कैथोड है, ये आप लोग लेड भी हो सकता है, तो ये कैथोड है। और इसमें जो लिक्विड है वो इलेक्ट्रोलाइटिक लिक्विड सल्फ्यूरिक एसिड है, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड है। ओके, इसका बाद एनोड को हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल का साथ और कैथोड को हम लोग नेगेटिव टर्मिनल का साथ इसमें ऐड किए हैं। इसका बाद जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का अंदर हम लोग उस चलाएंगे, तो क्या होगा, जब इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशन है H2SO4 उसका अंदर जब पास करेगा, तब क्या होगा, H2SO4 दो H2SO4 मतलब हाई सल्फ्यूरिक एसिड दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, एक H2 और दूसरा O2 में डिवाइड हो जाएगा। ओके, और इधर जो O2 आयन होगा वो कहाँ पे जाके बैठ जाएगा, एल्यूमिनियम का ऊपर बैठ जाएगा, और वो एल्यूमिनियम का साथ कॉम्बाइन होके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। ओके, और एल्यूमिनियम का ऊपर एक ऑक्साइड लेयर बना देता है। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्सीजन की कंबाइन होती है, जिसको एनोडाइजिंग प्रोसेस हम लोग कहते हैं। तो फिर से मैं आपको इस प्रोसेस को समझा देता हूँ। देखो, प्रोसेस अगर समझ में आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। एनोडाइजिंग टैंक है, ये वर्कपीस है एल्यूमिनियम का बने हैं, और इसको हम लोग एनोड माने हैं, और ये जो कैथोड है ये लेड आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, और एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल और अब कैथोड को बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल का साथ ऐड की है। इसका बाद इसमें एनोडाइजिंग टैंक में हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग पूरा उसमें फिल की है, और जब भी करंट हम लोग पास करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन H2SO4 को दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन इधर एल्यूमिनियम का ऊपर क्या होगा, वो एल्यूमिनियम का साथ कंबाइन होकर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, और एल्यूमिनियम के ऊपर एक ऑक्साइड लेयर बन जाएगा, जो लेयर होता है एक करोजन रेजिस्टेंस लेयर, या आप लोग बोल सकते हैं कि एक एब्रेजन रेजिस्टेंस लेयर या वियर रेजिस्टेंस लेयर। ऐसे एल्यूमिनियम क्या होता है, सॉफ्ट होता है। ठीक है, और ऐसे तो नॉन फेरस होता है, तो करोजन रेजिस्टेंस तो ऐसे भी होता है, फिर भी उसका सरफेस को और भी करोजन रेजिस्टेंस बनाने के लिए तब हम लोग एनोडाइजिंग प्रोसेस करते हैं। और इसमें करोजन रेजिस्टेंस का साथ साथ एब्रेसिव रेजिस्टेंस भी होता है, वियर रेजिस्टेंस होता है, मतलब हार्ड भी बन जाता है। ठीक है, तो इसमें आप देखिए एल्यूमिनियम का वर्कपीस था, उसमें ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 है, इसका दो भागों में डिवाइड होगा, हाइड्रोजन आयन ऑक्सीजन आयन, इसमें से ऑक्सीजन आयन क्या होगा, एल्यूमिनियम का साथ मिक्स होकर क्या होगा, अब देखिए Al2O3 मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहा है, मतलब एल्यूमिनियम का ऊपर एक ऑक्साइड लेयर बन जाता है। तो ये लेयर ही होता है एनोडाइजिंग प्रोसेस में। ठीक है, तो ये लेयर जो होता है, ये लेयर होता है करोजन रेजिस्टेंस, वियर रेजिस्टेंस, एब्रेजन रेजिस्टेंस। तो अभी आपको फैक्ट समझ में आ गया, इसलिए मैं आप लोग को बोलता हूँ कि जितना भी क्लास मैं आप लोग के लिए इस सीरीज में प्रोवाइड करूँगा वो मेरा लाइफ का सबसे बेस्ट कंटेंट होगा। इसीलिए टाइम लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आप लोग का सीरीज कंप्लीट करूँगा एग्ज़ाम से पहले 100%। बट इसमें क्या होगा, जितना भी आप लोग का टॉपिक रहेगा वो सब आप लोगों का मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। इतना दिन से हम गारंटी के साथ आपको बता सकता हूँ 95% स्टूडेंट को पता नहीं था एनोडाइजिंग प्रोसेस हम लोग कैसे करते, बट आज आपको पता चल गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ। इसका बाद आप क्वेश्चन पर पढ़ सकते हैं अच्छा से। एनोडाइजिंग इज, तो एनोडाइजिंग प्रोसेस में क्या होता है, एन ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस होता है फॉर एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम आर्टिकल। तो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम आर्टिकल पर जब आपको एक ऑक्सीडेशन या ऑक्साइड लेयर आपको बनाना पड़ेगा तो वो होता है एनोडाइजिंग प्रोसेस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, एनोडाइजिंग मैक्सिमम टाइम हम लोग एल्यूमिनियम के ऊपर करते हैं या एल्यूमिनियम वर्कपीस के ऊपर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 782, अगर आपको पूछे जाते हैं क्यों करते हैं तो उसका भी आंसर है कि उसका सरफेस को करोजन रेजिस्टेंस, एब्रेजन रेजिस्टेंस और वियर रेजिस्टेंस बनाने के लिए। समझ में आ गया है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 782, द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ फ्लो इन पाइप्स। पाइप में प्रभाव को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण है। तो जब कोई भी एक पाइप का रेट ऑफ फ्लो को मेजरमेंट करना पड़ेगा तो कौन सा हम लोग मीटर यूज करते हैं, वेंचुरीमीटर, माइक्रोमीटर, वीनोच या नॉन ऑफ द अबव। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेंचुरीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 783, सिंगल पॉइंट थ्रेड कटिंग टूल शुड आइडियली हैव। सिंगल पॉइंट थ्रेड कटिंग टूल कैसा होता है? ऐसा होता है, इसका एंगल होता है, मेट्रिक के लिए एंगल होता है 60 डिग्री। जब हम लोग वर्कपीस पर सेट करते हैं, सेंटर राइट में सेट करते टाइम वर्कपीस के साथ इसको टोटली 90 डिग्री में सेट करना पड़ता है, इसीलिए हम लोग सेंटर गेज का इस्तेमाल करते हैं। ओके, और इसके लिए कोई भी हम लोग रेक एंगल प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो पॉजिटिव रेक भी नहीं होगा, नॉर्मल रेक भी नहीं होगा, नेगेटिव रेक भी नहीं होगा, इसका रेक एंगल होता है जीरो रेक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 784, इन ईडीएम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग। तो इसमें कौन सा चीज़ एनोड होता है, कौन सा चीज़ कैथोड होता है? तो अभी मैं जस्ट आपको समझाया हूँ, एनोडाइजिंग प्रोसेस में जो वर्क होता है ऑलवेज एनोड, और जो टूल होता है, जैसे हम लेड को इसमें किया था तो इसमें टूल होता है कैथोड। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग का बारे में जब भी क्वेश्चन पूछे जाएगा तो अलग अलग क्वेश्चन आपको पूछे जाएगा, कॉमन क्वेश्चन तो आपको पूछेगा नहीं, बट एक कॉमन क्वेश्चन होता है जो आपको पूछे जाता है, द डायलेक्ट्रिक फ्लूड यूज इन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग इज। तो कौन सा डायलेक्ट्रिक फ्लूड यूज करते हैं ईडीएम मशीनिंग में? राइट आंसर हो जाएगा केरोसिन। तो जो भी मैसिनी स्टूडेंट है, ओनली फॉर मैसिनी स्टूडेंट, आप लोग अगर मैसिनी स्टूडेंट है, आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर करना बनता है। तो ECM और EDM का स्पेशल क्लास मैं अपना YouTube चैनल पर डाला हूँ, आप लोग जरूर देख लीजिए, ठीक है? क्योंकि फीटर और टर्नर स्टूडेंट के इसमें कोई काम नहीं है, जस्ट आप लोग MCQ को याद रखना, बाकी इससे ज़्यादा आपको कुछ याद करना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 785, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड इज यूजुअली मेजर्ड बाय मीन्स ऑफ ए। द्रव के विशिष्ट गुरुत्व को आमतौर पर डैश के माध्यम से मापा जाता है। तो कोई भी लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर आपको मेजर करना पड़ता तो उसके लिए हाइड्रोमीटर का जरूरत पड़ता है। ओके, ऑप्शन में जो तीन ऑप्शन दिया है, हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर कहाँ यूज होता है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी के मेजर करने के लिए यूज होता है। थर्मोमीटर टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए यूज होता है। और पियोजोमीटर, PIEZO, पियोजोमीटर किसके लिए यूज होता है? अंडरग्राउंड वाटर प्रेशर को मेजर करने के लिए, अंडरग्राउंड वाटर प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 786, द कॉमनली यूज्ड फ्लक्स फॉर ब्रेजिंग इज। ब्रेजिंग के लिए कॉमनली यूज्ड फ्लक्स कौन सा होता है? फ्लक्स क्या होता है, ब्रेजिंग क्या होता है, सोल्डरिंग क्या होता है, सब मैं इस सीरीज में कंप्लीट किया हूं। तो मैं आप लोगों को पहले बताया था कि इस सीरीज एक ऐसा सीरीज बनेगा कि आप लोग जब सीरीज खत्म करेंगे तो आपका टोटल बुक का रिविजन हो जाएगा। एक एक टॉपिक कंप्लीट करूंगा, मेरा दिमाग में है कि कौन सा टॉपिक बाकी है, हॉर्निंग बाकी है, इसका बाद आप लोगों का जो टॉपिक है कुछ टाइम पहले मैं आपको बताया हूं, तो वो सब टॉपिक मैं धीरे धीरे क्लियर करूंगा, की को भी क्लियर करूंगा, जहां जहां से क्वेश्चन देता सब मैं क्लियर करूंगा। तो आप लोगों को मेरा साथ जुड़े रहना है, सपोर्ट आपको करते रहना है। आप लोग अगर देखेंगे मेरा YouTube चैनल पर सब्सक्राइब बहुत कम बढ़ता है, क्यों नहीं बढ़ता आप लोगों को पता है? क्योंकि हम ऑथेंटिक कंटेंट देते हैं और हम कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन नहीं डालते हैं कि हाँ ये आने वाला है या आएगा, या कोई भी जैसे कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब होता है, अप्रेंटिस, ये सब नहीं डालते हैं। जो इम्पोर्टेंट होता है वही हम अपने यूट्यूब चैनल पर डालते हैं, जो आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करेगा। हो सकता है कि बार बार आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जाएगा और जो मेन चीज़ है वही मिस हो जाएगा, इसलिए जितना हमें पढ़ाना होता है मेरे पास उतना टाइम नहीं है, जितना हमसे कंटेंट बन पाता है उसी को एक अच्छा कंटेंट बना के मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, चाहे सब्सक्राइब कम बढ़े चाहे सब्सक्राइब ज़्यादा बढ़े। तो आप लोगों का हाथ में है, आप लोग अगर हो सके तो आप लोगों का जितना भी दोस्त है, कॉलेज का दोस्त है, शेयर जरूर कीजिए। आप लोग जब इतना दिन से कनेक्टेड है तो आप लोग को एटलीस्ट इतना हेल्प आप लोगों के लिए करना चाहिए, मेरे लिए करना चाहिए। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोरेक्स। तो ब्रेजिंग के लिए कॉमनली फ्लैक्स का तौर पे हम लोग बोरेक्स इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 787, द बेस्ट पोजीशन टू होल्ड द जॉब इन द वाइस व्हेन फाइलिंग। फाइलिंग करते टाइम वाइस के कौन सा पोजीशन पर
जॉब को पकड़वाना चाहिए। तो फाइलिंग जब हम लोग करते हैं तो ऑफिस को पकड़ने के लिए बेंच वाइज पर हम लोग फिट करते हैं। तो किस लेवल पर या किस पोजीशन पर जॉब को फिट करना चाहिए, आई लेवल मतलब जो काम कर रहे हैं वर्कर का आई लेवल तक, शोल्डर लेवल, कंधे लेवल तक, एल्बो लेवल, कन्हई लिमिट लेवल तक या आर्म लेवल बाहू लेवल तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्बो लेवल तक। तो कोई भी वर्कर अगर काम करते तो वाइस का वाइस में जब जॉब को होल्ड करेगा तो उस ऑपरेटर का एल्बो लेवल तक जॉब को होल्ड करना चाहिए। तो एल्बो लेवल होता है फाइलिंग करने का बेस्ट पोजीशन, कन्हई लेवल, ओके। और इसका हाइट कितना होता है, इसका जो कॉमन हाइट होता है 106 सेंटीमीटर, आप लोग बोल सकते हैं अप्रोक्स 1 मीटर हाइट में उसको सेट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 788, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, 1 माइक्रोन या 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है। तो मीटर में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो ऐसे आप लोग देखिए मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो। तो इधर माइक्रो या माइक्रोमीटर माइक्रोन सब सेम होता है। तो इधर से जब इधर आएंगे तो इधर का डायरेक्ट 10^-3 होगा, इसके बाद जब 1, 2, 3 तो इधर सब 10 करके होता है, मतलब इन तीनों को अगर करेंगे तो इधर भी टोटल 10^-3, तो 10^-3, 10^-3 होता है 10^-6 होगा। तो 1 माइक्रोन इज इक्वल टू होता है 10^-6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, तो माइक्रोन मीटर इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत सारा स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर नहीं है और इसका आंसर बार बार गलत करके आता है। 789 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है द लेद कैरेज सर्व्स द फॉलोइंग पर्पस ऑफ द टूल। तो लेद मशीन का जो कैरेज है तो टूल का किस किस पर्पस के लिए वो यूज होता है, टूल को गाइड करता है, फीड भी देता है, सपोर्ट भी करता है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो लेद मशीन का जो कैरेज पार्ट होता है, कैरेज पार्ट का ऊपर से कैरेज का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सैडल, सैडल के ऊपर रहता है क्रॉस स्लाइड, क्रॉस स्लाइड के ऊपर रहता है कंपाउंड स्लाइड, कंपाउंड स्लाइड के ऊपर रहता है टॉप स्लाइड, टॉप स्लाइड में हम लोग टूल पोस्ट फिट करते हैं, टूल पोस्ट में हम लोग टूल को फिट करते हैं। और टोटल क्या होता है, वो कैरेज का ही पार्ट होता है। तो कैरेज क्या क्या करता है, टूल को गाइड भी करता है कहाँ जाना है, फीड भी देता है और सपोर्ट भी करता है, इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 790, द कटिंग एंगल ऑफ ए फ्लैट ड्रिल वेरीज फ्रॉम, समतल ड्रिल का कटिंग कोण डैश से मतलब वो वेरी करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 से 8 डिग्री, 20 से 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी, 60 से 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी, 90 से 120 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 90 से 120 डिग्री इसका कटिंग एंगल वेरी करता है। ऐसे नॉर्मल ट्विस्ट ड्रिल का कटिंग एंगल होता है 118 डिग्री, ओके। तो फ्लैट ड्रिल कैसा होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ड्रिलिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ सिलेंड्रिकल होल ऑफ डेफिनेट डायमीटर इन वर्कपीस बाय यूजिंग मल्टी पॉइंट कटिंग टूल कॉल्ड ए ड्रिल। तो ड्रिलिंग एक ऐसा ऑपरेशन होता है जो प्रोडक्शन पर्पज में सिलेंड्रिकल होल बनाते हैं डेफिनेट डायमीटर, आप लोगों को जितने डायमीटर में चाहिए वर्कपीस पर होल बनाता है, और ड्रिल एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है। तो इधर तो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल ठीक है, अगर ऑप्शन में मल्टी पॉइंट कटिंग टूल और एंड कटिंग टूल दोनों दिया रहेगा तो एंड कटिंग टूल इज द राइट आंसर हो जाएगा, अगर ऑप्शन में एंड कटिंग टूल नहीं रहेगा तब मल्टी पॉइंट कटिंग टूल राइट आंसर होगा, क्योंकि ड्रिल उसका एंड से कटिंग करते हैं इसलिए उसका नाम है एंड कटिंग टूल। और इट इज़ द फास्ट ऑपरेशन डन इंटरनली फॉर एनी फादर ऑपरेशन, मतलब कोई भी अगर इंटरनल ऑपरेशन आपको करना है तो वो ऑपरेशन करने से पहले सबसे जो पहला ऑपरेशन होता है वो होता है ड्रिलिंग, उसका बाद बाकी ऑपरेशन होता है, ओके। टाइप्स ऑफ ड्रिल एंड द स्पेसिफिक यूजेस, तो इसमें फ्लैट ड्रिल का बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना है। जैसे द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ ड्रिल वॉज द फ्लैट ड्रिल, मतलब सबसे पहला जो फॉर्म था, मतलब पहले जमाना में जो यूज़ होता था वो फ्लैट ड्रिल था, विच इज़ ईजी टू ऑपरेट, मतलब ऑपरेट करना बहुत ईजी था, बिसाइड बींग इनएक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस, मतलब इसमें अब होल प्रोड्यूस करना भी बहुत महंगा नहीं होता था, मतलब बहुत सस्ता होता, बट इट इज़ डिफिकल्ट टू होल्ड ड्यूरिंग ऑपरेशन, बट ऑपरेशन का टाइम जब आप लोग ड्रिलिंग करते हैं तो वर्कपीस को होल्ड करना थोड़ा मुश्किल होता, एंड द चिप रिमूवल इज मोर पोर, मतलब चिप रिमूवल बहुत कम होता था क्योंकि इसके क्लियरेंस एंगल कम होता था, इसका
जैसे ट्विस्ट ड्रिल में क्या होता है, वो हेलिकल पाथ होता है वो निकल के आ जाता, बट इसमें फ्लैट ड्रिल है, इसमें चिप रिमूवेबल सही नहीं होता था। इट्स ऑपरेटिंग एफिशिएंसी इज वेरी लो, इसका ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बहुत कम होता है। और इसका पॉइंट एंगल आप देख सकते हैं, मैं अपना बुक पर नोट करके रखा था, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है मैं अपना बुक पर नोट करके रखता हूँ। बहुत सारा स्टूडेंट बोलते हैं बुक किताब को अच्छा से रखना चाहिए, उसमें कुछ लिखना नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद आता था मैं उधर लिख के रखता था, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं एक फ्लैट ड्रिल है जिसका पॉइंट एंगल 90 डिग्री से 120 डिग्री का बीच में वेरी करता है, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको बताना था, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। तो एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है कि अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ ड्रिल कौन सा है, फ्लैट ड्रिल है, और इसमें क्या असुविधाएं थे कि इसका जो ऑपरेशन का टाइम, इसको होल्ड करना पकड़ना थोड़ा दिक्कत होता है, और चिप रिमूवेबल बहुत कम होता है, उसका सही से नहीं होता है, इसीलिए उसको मॉडिफाई करके ट्विस्ट ड्रिल बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 791, द लेथ स्पिंडल एट द नोज एंड हैव, मतलब लेथ स्पिंडल का नोज एंड में क्या रहता है, इंटरनल स्क्रू थ्रेड, एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड, नो थ्रेड या टेपर थ्रेड। तो आप सभी स्टूडेंट जानते हैं हेडस्टॉक का जो स्पिंडल होता है उसमें एक्सटर्नल थ्रेड रहता है, जिसमें हम लोग ड्राइविंग प्लेट चक को हम लोग फिट करते हैं, ड्राइविंग प्लेट चक में इंटरनल थ्रेड होता है, तो दोनों मैच करके तब क्या होता है, वो एक दूसरे को पकड़ता है। तो स्पिंडल नोज में एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड होता है, बट टेपर होता है इंटरनल, समझ में आ गया है। स्पिंडल नोज का एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड होता है, मतलब बाहर थ्रेड होता है, बाहर थ्रेड होता है, और जो अंदर होता है, अंदर टेपर होता है, मोर्स टेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 792, इन ए प्लेनर, प्लेनर मशीन में क्या होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि प्लेनर मशीन में ऑलवेज अपोजिट होता है, टूल स्थिर रहता है और वर्कपीस आगे पीछे रोटेट होता रहता है, मतलब रोटेट इसको नहीं कहते, इसको रेसिप्रोकेट, आगे पीछे होने को रेसिप्रोकेट कहते हैं, ओके। और रोटेट मतलब तो ऐसे होता है। तो देखो सेपर मशीन का जो अपोजिट होता है वो होता है प्लेनर मशीन। सेपर मशीन में क्या होता है, वर्कपीस स्थिर रहता है और टूल आगे पीछे होता है, बट प्लेनर मशीन में टूल स्थिर रहता है, वर्कपीस आगे पीछे होता है। तो टूल इज स्टेशनरी, मतलब टूल स्थिर रहता है, वर्कपीस रेसिप्रोकेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 793, ए ड्रिल मेनली यूज्ड इन ड्रिलिंग ब्रास, कॉपर और सॉफ्टर मटेरियल इज, मुख्य रूप से पीतल, तांबे या नर्म सामग्री की ड्रिलिंग में उपयोग की जाने वाली एक ड्रिल। तो इसमें बोला है कौन सा एक ड्रिल है जो जनरली सॉफ्टर मटेरियल जैसे ब्रास, कॉपर, एल्यूमिनियम को ड्रिलिंग करने के लिए यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए फ्लैट ड्रिल, ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल, ऑप्शन नंबर सी पैरेलल सैंक ड्रिल, ऑप्शन नंबर डी टेपर्ड सैंक ट्विस्ट ड्रिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल। तो ये स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल इज डिजाइन टू प्रोड्यूस शॉर्ट चिप्स इन मोस्ट ड्रिलिंग एप्लीकेशन, मतलब जितना भी ड्रिलिंग एप्लीकेशन होता है उसमें से सबसे अगर शॉर्ट चिप्स निकालते, छोटा छोटा जो चिप्स निकालता है वो होता है स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल में, ओके। और ये कहाँ पे यूज होता है, सॉफ्टर मटेरियल जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रास होता है, उधर ड्रिलिंग करने के लिए यूज होता है। और इसको हम लोग मेन पर्पस किस लिए यूज करते हैं, शॉर्ट चिप्स को प्रोड्यूस करता है, इसीलिए हम लोग यूज करते हैं। तो इसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन सा ड्रिल शॉर्ट चिप्स प्रोड्यूस करता है ड्रिलिंग एप्लीकेशन में। तो राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 794, स्लो स्पीड ऑफ द स्पिंडल इज नेसेसरी इन, स्पिंडल का स्पीड स्लो मतलब धुरी की धीमी गति कब आवश्यक होते हैं, थ्रेड कटिंग का टाइम तो सबसे कम स्लो स्पीड होता है। ऑप्शन नंबर बी टर्निंग ए वर्क ऑफ लार्जर डायमीटर, मतलब एक लार्जर डायमीटर वर्कपीस है उसमें टर्निंग कर रहा है तब भी स्लो स्पीड का जरूरत है, क्योंकि ज़्यादा स्पीड में हम लोग नहीं कर सकते हैं, टूल भी टूट जाएगा, ओके। और टर्निंग ये हार्ड और टफ मटेरियल, जब हम लोग हार्ड और टफ मटेरियल का जब टर्निंग करेंगे तब भी स्पिंडल स्पीड स्लो देना चाहिए, ओके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसीलिए क्लास का शुरुआत में मैं आपको बोला था कि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो आप लोग देखिए पढ़ने के बाद आपको क्या आंसर लग रहा है कि सब ऑल ऑफ दिस ही होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 795, द साइज ऑफ ए लेथ इज स्पेसिफाइड बाय द, एक खड़द का आकार डैश द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। तो एक लेथ मशीन का स्पेसिफिकेशन कैसे हम लोग करते हैं, उसका सेंटर टू सेंटर बीच में जो लेंथ हो तो उसका हिसाब से स्विंग डायमीटर ओवर द बेड, स्विंग डायमीटर ओवर द कैरेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। तो हम लोग एक लेथ को कैसे स्पेसिफिकेशन करते हैं, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। इधर आप पढ़ सकते हैं, ए लेथ इज टू बी स्पेसिफाइड बाय द फॉलोइंग, मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द
दैट कैन बी हील, मतलब कितना मैक्सिमम डायमीटर वर्कपीस उधर हम लोग पकड़वा सकते हैं उसका हिसाब से भी लेथ का साइज डिपेंड करते हैं। स्विंग ओवर बेड मतलब दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लेथ एक्सिस एंड द टॉप ऑफ द बेड। तो स्विंग ओवर बेड से भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। स्विंग ओवर बेड मतलब क्या होता है, जो उसका लेथ एक्सिस होता है उसी से जो बेड का जो टॉप पोर्शन है उसका बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको स्विंग ओवर बेड कहते हैं। द लेंथ ऑफ द बेड, बेड का लेंथ, द लेंथ ऑफ द बेड वेज, बेडवे का लेंथ का हिसाब से भी हम लोग उसको स्पेसिफिकेशन करते हैं। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ वर्क दैट कैन बी टर्न बिटवीन सेंटर, दो सेंटर के बीच में मैक्सिमम लेंथ कितने हैं, कितना वर्क पीस का लेंथ वो टर्निंग कर सकते हैं। द रेंज ऑफ थ्रेड दैट कैन बी कट मतलब कितने रेंज थ्रेड मैक्सिमम वो काट सकते हैं। द कैपेसिटी ऑफ द लेंथ, द स्विंग ओवर कैरेज, रेंज ऑफ स्पिंडल स्पीड, रेंज ऑफ फीड, साइज ऑफ स्पिंडल बोर्ड, टाइप ऑफ स्पिंडल, इतने सारा चीज़ से हम लोग लेथ को स्पेसिफिकेशन करते हैं। स्पेसिफिकेशन मतलब क्या है, कोई भी अगर आपको लेथ खरीदना है तो आपको क्या करना है, आपको सेलर का पास जाके आपको इतने सारा चीज़ आपको बोलना है या जो भी चीज़ का ज़रूरत है कि आपको स्विंग ओवर बेड इतना चाहिए वो आपको बताना पड़ेगा, आपका थ्रेड कटिंग का रेंज कितना है वो आपको बताना पड़ेगा, दोनों सेंटर के बीच में कितना मैक्सिमम डायमीटर या कितना मैक्सिमम लेंथ वाला जो हम लोग टर्निंग कर सकते उसको भी बताना पड़ेगा, तभी वो उसी स्पेसिफिकेशन वाला लेंथ या उसी लेंथ आपको प्रोवाइड कर पाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 796, इफ द कटिंग स्पीड इज इंक्रीज्ड द बिल्ट अप एज, यदि कटने की गति बढ़ा दी जाती है तो बिल्ट अप एज, तो जब आप लोग कटिंग स्पीड बढ़ाते हैं तो बिल्ट अप एज क्या होता है, बिल्ट अप एज एकदम नहीं होता ये बहुत कम होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, बिल्ट अप एज क्या होता है बहुत बार क्लास में मैं डिस्कशन किया हूँ, अगर आपको डाउट है तो प्रीवियस क्लास देख सकते हैं, अदरवाइज यूट्यूब पर डायरेक्ट आप लोग सर्च कर सकते हैं कि टाइप्स ऑफ चिप्स टेक मैकेनिकल वीडियो, सर्च कीजिए आपको मिल जाएगा, टाइप्स ऑफ चिप्स में कंटिन्यूअस चिप्स, डिसकंटिन्यूअस चिप्स और कंटिन्यूअस चिप्स विद बिल्ट अप एज का बारे में डिटेल में डिस्कशन में किया हूँ। ओके, तो जब भी कटिंग स्पीड आप लोग बढ़ाते हैं तो बिल्ट अप एज बहुत कम हो जाता है या वो फाइनली फॉर्म भी नहीं होता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 797, इन इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग डाई इलेक्ट्रिक इज यूज, तो जो चीज़ का डिस्कशन मैं पहले ही कर दिया हूँ कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग ईडीएम मशीन में मशीनिंग में डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड कौन सा यूज होता है, केरोसिन यूज होता है, मैं आपको बताया हूँ और किस लिए यूज होता है इधर आपको पूछा है। हेल्प इन मूवमेंट ऑफ स्पार्क मतलब चिंगारी की गति में मदद, कंट्रोल द स्पार्क डिस्चार्जेस स्पार्क डिस्चार्ज को नियंत्रित करता है, एक्ट एज कूलेंट शीतलक के रूप में कार्य करता है, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। तो आपको अगर डिटेल में देखना है तो आप लोग डिटेल वाला वीडियो देखिए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 798, द ऑपरेशन ऑफ स्मूदिंग एंड स्क्वायरिंग द सरफेस अराउंड ए होल इज नोन एज, मतलब एक होल का चारपास अगर आपको स्क्वायर करना है और स्मूदिंग करना मतलब एकदम पूरा उसका फिनिश को अच्छा करना है तो कौन सा ऑपरेशन हम लोग करते हैं, तो जब कोई भी होल का चारपास में आपको स्क्वायरिंग करना पड़ेगा मतलब उसमें क्या वॉशर या बोल्ट का स्थान देने के लिए, तो वो ऑपरेशन होता है स्पॉट फेसिंग, जो हम लोग फ्लाई कटर का मदद से भी फ्लाई कटर का इस्तेमाल करके हम लोग करते हैं। ओके, और कभी कभी हम लोग काउंटर बोर्ड टूल का भी इस्तेमाल करके स्पॉट फेसिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 799, द डक्टाइल मटेरियल ड्यूरिंग मशीनिंग प्रोड्यूस, जब हम लोग तन्य सामग्री मशीनिंग के दौरान कौन सा चिप्स प्रोड्यूस होता है, तो जब डक्टाइल मटेरियल का हम लोग मशीनिंग करते हैं तो उसमें कंटिन्यूअस चिप्स विद बिल्ट अप एज उसमें प्रोड्यूस होता है, तो इसमें आपको ऑप्शन देख लेना है, इसमें डी ऑप्शन दिया है। देखो इसमें अगर ज़्यादा डक्टाइल होगा तो कंटिन्यूअस चिप्स विथ बिल्ट अप एज होगा, अदरवाइज नॉर्मल डक्टाइल है तो कंटिन्यूअस चिप्स होगा, इसमें जब ऑप्शन नंबर मतलब आइदर ए और सी दिया है तब डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्योंकि कंटिन्यूअस चिप्स तो ऐसे डक्टाइल मटेरियल के लिए होगा ही, और जब ऑप्शन में दोनों ऑप्शन दे दिया मतलब कंटिन्यूअस चिप्स विद बिल्ट अप एज राइट आंसर हो जाएगा, तो दोनों राइट आंसर है इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज द इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का क्लास का और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं बहुत ही अच्छा से क्लियर करूंगा। लास्ट क्वेश्चन, द टूल लाइफ इज अफेक्टेड बाय, उपकरण का जीवन डैश से प्रभावित होते हैं, तो टूल लाइफ मतलब टूल कितने लंबे तक वो ठीक ठाक रहेगा, उसका कटिंग एक्शन को ठीक रख रिटेन करके रख पाएगा, तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, डेप्थ ऑफ कट, कटिंग स्पीड, फीड, ऑल ऑफ दिस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, क्योंकि कटिंग स्पीड का भी ऊपर डिपेंड करता है,
ओके जैसे कार्बाइड टूल को अगर हम लोग स्लो स्पीड में चलाते हैं तो जल्दी जल्दी वियर हो जाता है, जल्दी जल्दी वो घिस जाता है। वैसे हाई स्पीड स्टील टूल को अगर HSS टूल को ज़्यादा स्पीड में चलाते हो जल्दी जल्दी वियर हो जाता, वो जल्दी जल्दी खराब हो जाता। डेप्थ ऑफ कट ज़्यादा देते तो टूल खराब हो जाता, फीड भी हम लोग ज़्यादा देते तो टूल खराब हो जाता। ओके तो टूल लाइफ से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी आप लोगों के साथ शेयर करना है, तो अभी आप लोग क्लास को कंटिन्यू कीजिए। टूल लाइफ एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग टूल लाइफ। टूल लाइफ इज ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन इवोल्यूशन ऑफ मशीनेबिलिटी, मतलब मशीनेबिलिटी के लिए टूल लाइफ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। इट इज़ द पीरियड ऑफ टाइम इन विच टूल कट्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, मतलब वो टाइम होता है जिस टाइम तक टूल इफेक्टिवली और एफिशिएंटली मतलब अच्छा से कट पाता है, तो उतना टाइम को हम लोग कहते हैं टूल लाइफ। ठीक है, द मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग टूल लाइफ, तो इसमें बोला देयर आर मेनी वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग टूल लाइफ सच एज टाइम यूनिट, इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज टूल लाइफ यूनिट। तो हम लोग यूनिट के हिसाब से हम लोग बोलते हैं कि इतना मिनट तक वो टूल गया है कि अच्छा से काम किया। वॉल्यूम ऑफ मेटेरियल रिमूव बाय द टूल ड्यूरिंग इट्स टोटल लाइफ स्पैन, मतलब टोटल लाइफ स्पैन में टोटल उसका जीवन काल में कितने वॉल्यूम ऑफ मेटेरियल को रिमूव किया उसका बेसिस पे हम लोग टूल लाइफ कैलकुलेशन करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं। नंबर ऑफ वर्क पीस मशीन बाय टूल, मतलब उस टूल से कितना नंबर ऑफ वर्क पीस को मशीनिंग की है उसका हिसाब से भी हम लोग टूल लाइफ को एक्सप्रेस करते हैं। ओके, टूल लाइफ मोस्ट कॉमनली एक्सप्रेस इन मिनट, टूल लाइफ को सबसे ज़्यादा हम लोग मिनट पर एक्सप्रेस करते हैं। एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ सम टूल मटेरियल इज गिवन बिलो, तो कुछ टूल मटेरियल का लाइफ टाइम आपको दिया गया, एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम दिया गया। कास्ट टूल स्टील के लिए 120 मिनट, हाई स्पीड स्टील टूल के लिए 60 से 120 मिनट, सीमेंटेड कार्बाइड टूल का टूल लाइफ 420 से 480 मिनट। तो इससे भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते क्योंकि एक्सपेक्टेड टूल लाइफ है। ओके, फैक्टर अफेक्टिंग टूल लाइफ, कौन सा फैक्टर टूल लाइफ को अफेक्ट करता है। देखो ये टर्नर चीज़ का मतलब टर्नर का ये एक्चुअली टॉपिक है तो इसको भी अच्छा से क्लियर करना है। फैक्टर अफेक्टिंग टूल लाइफ, तो कौन सा टूल लाइफ में अफेक्ट फैलता है। कटिंग स्पीड, फीड एंड डेप्थ, टूल जियोमेट्री उसका डेक एंगल, क्लियरेंस एंगल, सब कुछ। टूल मटेरियल कौन सा, वर्क मटेरियल कौन सा मतलब वर्क मटेरियल अगर ज़्यादा हार्ड होगा तो उसको कटने के लिए तो वो टूल अगर यूज़ हो जाएगा तो जल्दी जल्दी वो घिस जा सकता है। नेचर ऑफ कटिंग, कैसे हम लोग काट रहे हैं, रिजिडिटी ऑफ द मशीन एंड टूल, कटिंग फ्लूइड, इन सब चीज़ के ऊपर टूल लाइफ डिपेंड करता है। सभी चीज़ के ऊपर, मैक्सिमम किसके ऊपर डिपेंड करता है, कटिंग स्पीड, फीड और डेप्थ के ऊपर डिपेंड करता है। कटिंग स्पीड इट इज़ द मेजर फॉर अफेक्टिंग टूल लाइफ, मतलब सबसे ज़्यादा और टूल लाइफ में अफेक्ट कौन सा चीज़ फैलता है, कटिंग स्पीड। इट वेरीज इन्वर्सली विथ टूल लाइफ विच लीड्स टू पैराबोलिक कर्व एज सोन, तो इसमें कटिंग स्पीड आप देख सकते हैं और टूल लाइफ आप देख सकते हैं। तो कटिंग स्पीड जब भी बढ़ेगा तो टूल लाइफ भी वो धीरे धीरे कम होगा, तो इसमें से आप इधर देख सकते हैं इस ग्राफ से। तो टूल लाइफ को एक्सप्रेस करने के लिए FW टेलर ने एक फार्मूला आविष्कार किए थे, VT^N = C। V मतलब होता है कटिंग स्पीड इन मीटर पर मिनट, T मतलब होता है टूल लाइफ इन मीटर पर मिनट, N मतलब टूल लाइफ इंडेक्स और C मतलब मशीनिंग कांस्टेंट। N एंड C आर कांस्टेंट फॉर गिवन सेट ऑफ कंडीशन, मतलब N और C मैक्सिमम टाइप क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसमें बोला फीड रेट और डेप्थ ऑफ कट, अभी तो मैं सबसे पहले आपको बताया कि सबसे ज़्यादा फैक्ट कौन सा फैक्ट टूल लाइफ को अफेक्ट करता है, वो कटिंग स्पीड। उसका बाद कौन सा चीज़ टूल लाइफ में ज़्यादा इफेक्ट फैलता है, फीड रेट और डेप्थ ऑफ कट। अकॉर्डिंग टू टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन, टेलर का टूल लाइफ इक्वेशन में टूल लाइफ डिक्रीजेस, टूल लाइफ कम होगा जब फीड रेट इंक्रीज होगा या डेप्थ ऑफ कट इंक्रीज होगा। ओके, इसके बाद टूल जियोमेट्री से आप पढ़ सकते हैं कि टूल जियोमेट्री जैसे बैक रेक एंगल, प्रिंसिपल कटिंग एज, क्लियरेंस एंगल, नोज रेडियस, इन सब अगर ठीक नहीं होगा तब भी टूल लाइफ कम हो जाएगा। ओके, तो इतना सारा कारण है आप देख सकते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था मैं आप लोग के साथ शेयर किया हूँ। तो टोटल टॉपिक आज क्लियर हुआ कि नहीं है ये आप लोग कमेंट बॉक्स पर जरूर बताना, और मैं आप लोगों को डेली बोलता हूँ कि आप लोगों का कमेंट पे मेरे को मोटिवेशन मिलता है, हमें लगता है कि नहीं और भी वीडियोस देना चाहिए। जैसे बहुत सारा स्टूडेंट का अलग अलग जगह में सिलेक्शन हो गया है, अभी हाल ही में एक स्टूडेंट जो हमसे इतने दिन से गाइडलाइन ले रहे थे, जितना हम मैं उसको बता रहा था कि ऐसे ऐसे पढ़ो, कंटेंट फॉलो कर रहा था, वीडियो फॉलो कर रहा था, तो आज उसका बोकारो स्टील प्लांट पर जॉब लग गया है, तो उसने ज्वाइन भी कर लिए हैं। तो सोचिए कितना अच्छा अभी मतलब एक टाइम है जो आज का दिन में, कल का दिन में वो ज्वाइनिंग किया है और हमें
आज बता रहा है, मतलब इससे पहले भी बताया था तो हमें सुन के भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्रेडिट मेरे को दे रहा है तो हमें भी अच्छा लगता है। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग अगर जब फ्यूचर में कोई भी जगह में सिलेक्शन हो जाएगा तो आप लोग एटलीस्ट हमें व्हाट्सएप पर ज़रूर बताना कि मेरा सिलेक्शन सर हुआ है आपका वजह से, आपका वीडियो फॉलो करके। क्योंकि DRDO का सीरीज शुरू होने से पहले मैं आप लोगों को बताया था कि मैं भी सब बाकी जगह का जैसा भी मैं बताऊंगा कि हाँ इतना इतना जगह से इतना इतना जगह में मेरा सिलेक्शन हुआ है, या मैं बताऊंगा कि DRDO में इतना स्टूडेंट का मेरा चैनल से सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो ये दिन के लिए मैं इंतज़ार करूँगा, ये दिन के लिए मेरा इतना मेहनत करना है, तो सपोर्ट करते रहना, मैं भी आप लोगों के पास हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट होगा सब मैं आप लोग के लिए लेके आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।